की माचो मंडली है ना, आप सब इस नर्क लोक में मेरी पार्टी में शामिल होने आ गए। लेकिन आज मैं आपको डिनर नहीं खिलाऊंगा बल्कि डराऊंगा। इस सिंहासन पर बैठे बैठे मेरा खुद का आसन दुखने लगा है। वेकेशन सबका जन्म सिद्ध अधिकार है भिड़ू, और वैसे भी मैंने यहाँ बैठने का ठेका थोड़ी ले रखा है। अपने चित्रू यानी चित्रगुप्त के सासू आईडिए के मुताबिक हम सब स्वर्ग के टूर पर जा रहे हैं। अपनी गैर मौजूदगी में मैं अपने निकम्मे पुत्र को सिंहासन पर बिठाना चाहूंगा, क्योंकि बदकिस्मती से ही इज माई ओनली वन सन। अबे भैंसे, मार नगाड़े पे जोरदार। आशीर्वाद दीजिए बप्पू। बस ठीक है ये लो मौत को जाओ। पिताश्री, नर्कवासी चाहे मुझे निठल्ला निकम्मा या टेन फेल समझे, पर इस चाबुक से मैं पापियों के प्राणों की हंटिंग करूंगा। बस आपका 2 किलो 500 ग्राम का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। प्रभु, ये फैमिली ड्रामा बंद कीजिए, हमें इन कन्याओं के साथ वेकेशन पर जाना है। कंट्रोल चित्रगुप्त, तुम व्हाइट बॉल पे चौका मारना चाहते हो? ज्यादा फड़फड़ मत करो, मौका मिलेगा। बेटे युवा, जाने से पहले एक अंदर की बात बताना चाहूंगा। वो क्या पप्पू? बेटे युवा, तुम भी माचो मैन से कम नहीं हो, और जब चाहो धरती वासियों को टपका सकते हो। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक शहर वाले ऐसे हैं जो तुमसे भी 2 कदम आगे हैं। झुमरी तलैया वाले? इनकरेक्ट। कानपुर वाले? तो फिर मुंबई शहर वाले। बस क्या बाबू, या तो 24 और किसी की भी जान ले लेते हो, और मुंबई की पब्लिक से आप कितने फट चुके हैं। सही कहा बेटा, मुंबई की पब्लिक जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। आप फालतू में डर रहे हैं, मुंबई का पब्लिक इंसान ही तो है। अब उनसे कोई पंगा लेगा तो उछाल उछाल के उसका फुटबॉल बना दूंगा। प्रभु, छोटे नवाब दिखते तो भारी है मगर ऊपर से खाली है। आप रिवाइंड में जाकर इसे हमारी दुख भरी दास्तान सुनाइए। बेटे, गलती से 1980 में एक मुंबई वासी यहाँ पहुँचा था। कुर्सी का कॉम्पिटिशन तो धरती पर होता है, पर उसने यहाँ मेरी राजगद्दी छीन ली। खुश हुआ उसने सारे पापी और कमीनी आत्माओं के साथ मिलकर यमलोक की गद्दी पर कब्जा कर लिया। वो हमारे आदमियों को तेल में तलकर खुश होता और मैं ना खुश होकर हाथ मलता। तुम मोगेम्बो खुश हुआ। फिर 1995 में एक और मुंबई वासी को हम जबरदस्ती ऊपर ले आए। नीचे एक भी महिला उसके रहते सुरक्षित नहीं थी। मेरी तो 3 आइटम का उसने खुन्नस में रेप कर डाला। अप्सराएं जो हमारी यमलोक की शान थी, शक्ति की शक्ति से परेशान थी। धरती लोक की तरह यमलोक की आबादी 100 करोड़ न हो जाए, इसलिए यम को भी पहली बार किसी के प्राण वापस करने पड़े। आज भी वो अपने काले कारनामे करने में व्यस्त है। अरे मन्ने को कहकर छोड़ के जा रही। अरे क्या खाई में चली गई? अरे तय की उम्र मन्ने की नहीं, अरे मन्ने को खुश करने की है। मन्ने को खुश कर दे और मन्ने तय को खुश कर दे। महाराज ने जो मौत की गलत कास्टिंग की उसकी वजह से पूरा यमलोक हिल गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलती आपका बेटा ना करे। Am I right or wrong? सुपुत्र, my son. प्रभु, मुंबईकरों की बातें सुनाकर इन्हें मत डराइए और इनके दिमाग के उड़े हुए फ्यूज को और मत उड़ाइए प्रभु। ए बुझे हुए बल, अगर इतनी जल्दी तुम हार मान जाओगे तो मुझे मेरी राजगद्दी के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। युवराज के चेहरे के तो होश उड़ चुके हैं। मेरी जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड असिस्टेंट तुम्हारे पिता के साथ था, इसलिए उनकी डूबती नैया बच गई। लेकिन अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने अपने सर पे इनके कई इल्जाम लिए हैं। अब बुलाइए रंबा को। उर्वशी, मैंने कहा रंबा, लेट्स गो फास्ट। बप्पू, पीछे से नहीं बुलाते। वैसा डर तो अपन भी नहीं गया है, पर आपकी मुंबई पब्लिक की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा हड़बड़ा गया हूँ। आइडिया, अगर कोई चोर हो गया तो उसकी मंडोली के लिए मुझे भी एक बहुत टैलेंटेड
असिस्टेंट चाहिए बप्पू। मुझ जैसा टैलेंटेड असिस्टेंट आपको दिया, मोमबत्ती और लालटेन लेके भी नहीं मिलेगा युवराज। क्या बात है, कल से ज्वाइन हो जाओ। क्या बात है, 16 आने से युवराज की प्रभु। चित्रगुप्त अपने मुंह का शटर बंद करो और हमारे बेटे की सेवा करो। स्वर्ग में इन मिस यूनिवर्स के साथ डुएट गाने का हमारा मन कर रहा है। चलो मेनका उर्वशी, मुंह फेरने के साथ साथ आपने मेरे प्लान में भी पानी फेर दिया। अरे तुम डरा का, अरे तुम डरा का। चित्रगुप्ता प्रभु, खड़ा क्या है, काम कर। पेमेंट बाकी। मैं मैं करना बंद कर और पापियों के पापों की लिस्ट बना। बहुत फुदक रहा है मेरा सुंदर सपना, चूर चूर करके बहुत फुदक रहा है। तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मुंबई के लोगों के नाम तक से डर लगता है ना, तो मैं किसी हटेले मुंबई कर का गलत रिकॉर्ड बनाकर उसे धरती पर अपनी इनिंग्स पूरी करने से पहले ही नर्क में चीटिंग करके ले आऊंगा और इस घमंडी यम के बेटे युवा को सबक सिखाऊंगा। फिर वो मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा और माफी मांगेगा। अब देखना बेटे कलम की ताकत क्या होती है। चलते हैं विशेष में। पुलिस स्टेशन से FIR लाया क्या तू? FIR और बुलेट दोनों भी रेडी है। चला। किधर कूटे जाने का बोल? मुझे कुछ मत करो जी। मना कर रही हो, इनविटेशन दे रही हो। सात गुंडांची लाइन आप पहिला उठे। चारों के थोड़े रे और ये पांचवा। मुझे कुछ तो करो जी। देख के ही मूड ऑफ हो गया। मेरे को कबाड़ खाना बना दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उंगली करता है फिर उंगली खाता है। तुझे तुम्हारे दुश्मन मनमोहन दास जी ने मुझे 500 रुपए दिए। कहा कि मैं तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक कर तुम्हें वार्निंग दूं। इतना किया तो तुमने पुलिस को कितना बताया? यही कि तुमने मेरा गारमेंट स्टोर तोड़ दिया। अब तोड़ा मेरा ज्वेलरी स्टोर भी तोड़ दिया। वो भी अब तोड़ा। घर आकर सामान और नौकरों की धुलाई वो भी अभी अभी की। तुम्हारी कंप्लेंट को मैंने कंप्लीट न्याय दिया। सुन सेठ, अपना भी एक फंडा है, अपन सही का साथ छोड़ता नहीं और गलत का साथ कभी देता नहीं। इसीलिए जो माता डॉक्टर खाते तो वर्षा दो उसका तो पैकअप खा गया भेजे में खास। अनिवार बसुन मी तुझा पैकअप करतो है। ये मोटा लंगूर बैठे बैठे आराम से अंगूर खा रहा है। अब इसके अंगूरों को मैं खट्टा करूंगा। मैं वक्त से पहले राजा की ऊपर की टिकट काटता हूँ। मैं यहाँ दूध की नदियाँ बहा दूंगा। हर घर में एक एक इंजीनियर और डॉक्टर। 5 साल से सारा बोल पर चल रहा है। भूख भी लगी है, पेट पूजा भी हो जाएगी। पूजा पाठ हो या शादी, ये पंडित हर काम को बखूबी निभाता है। ऐसे शुभ काम में भी चाहे कितने ही विघ्न आए मगर इस पंडित के होते हुए उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। बताइए इस शुभ काम के 500 रुपए क्या मिले? 10 रुपए देंगे। हमें अमीर औरतें कहाँ मिलेंगी? क्यों भला? ताकि हम उनकी और उनके गहनों की रक्षा कर सके। वाह क्या तेज है, तुम्हारे चेहरे पर तो राजयोग झलक रहा है। काय मंटा तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में पहली बार एक महान काम। आपके 50,000 पक्के। इन उनके चेहरों पर सोने की चमक क्या चमक रही है। राजा, मैं
मैंने ये सोने का हार चुराया। मेरे पास तो वो सोने वाली है। अरे कुठे? ये पुर्गी हाथ नहीं आएगी। क्यों? ये किसी पीएम की बेटी है, किसी एम की मंगनी है। मुझसे नहीं कर सकती। ऐसा क्या देखा तूने? उसके दो बड़े बड़े नैन। आई वांट हर। देवा माला उत्सव। कहाँ जा रहे हैं वो माला? सब खत्म हो गया। मंगनी की रसम अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है रे। और ये सनसनी तब होगी जब तुम जाकर ट्राई करोगे। मैंने दो दो लड्डू फूटे दे दिया। हाँ सही है। आई लव यू। कानों से बालों का पर्दा हटाना पड़ेगा। विशाल ने बताया। आई गपोरी। आई लव यू। मैं एक के प्यार में गिरा, मेरे प्यार में चार गिरी। ये तो अजंता की मूरत बन गई है। जरूर तुमने कोई मंत्र मारा है। आपके आशीर्वाद से मैंने इसे तीन शब्द कह ही दिए। और दी बेस्ट। नहीं, आई लव यू। पंडित जी, होने वाली भाभी को किसी ने आई लव यू बोल डाला। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मंगनी में आकर मेरी होने वाली पत्नी से आई लव यू बोल रहा है। होने वाली पत्नी हुई तो नहीं ना? उसे मेरा प्रपोजल मंजूर हुआ तो? अबे शक्ल से तो तू इतना चिकना है, तुझे ये नहीं तो हजारों लड़कियां मिल जाएगी। अरे उससे मेरा कनेक्शन क्यों काट रहा है? आज तो मेरा दिन है, क्यों पंडित जी? सुनो रानी, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आंखें फाड़कर गौर से देखो और राइट चॉइस करो, फायदा तुम्हारा है। मेघोरी मेरी तरफ देख रही है लाजवटे। सुनो जानू, सिर्फ मुझे ही मत देखो, इसे भी देखो, वरना इसे फील होगा। बेचारे ने नए कपड़े पहने हैं, देखेगी तुझे भी देखेगी। दस साल से जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे तुम मुझसे छीन लेगा? अबे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे 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 कूल 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 यू फूल। जिस कुर्सी पर मैं रुमाल रख दूं उस पर कोई बैठने की हिम्मत करे तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तो सोच, जिस लड़की के कंधे पर मेरा रुमाल हो उसे कोई अपना माल बोले तो क्या होगा? उसे तो मैं कुक 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 कुत्ते की मौत मारूंगा। खत्म कर दो इसे। शादी के मंत्र कौन पढ़ेगा? हाय, उसने आपको टोपी पहना दी। अबे फेंको, जाओ ढूंढो उसे। ढूंढने का मुहूर्त बाद में निकालना, आज तुम्हारी मंगनी का मुहूर्त है जो सदियों के बाद निकला है। अनामिका उंगली में अब आप अंगूठी। मेरे को श्वेता से शुद्ध लव हो गया है रे। तू प्यार करके चक्कर में पड़ू ना कुरे, धंधा वैसे भी चार महीनों से बंद था, अगर प्यार के चक्कर में पड़ गया तो लाइफ टाइम बंद हो जाएगा। गजा कह रे, मुझे श्वेता अभी पानी में चाहिए। अरे वो मछली है क्या जो पानी में आएगी? वो उस गुंडे की मंगेतर है, हमको मार डालेगा रे वो। श्वेता के लिए मैं मर मिटने को भी तैयार हूँ, मुझे वो चाहिए 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 अभी अभी। 5 मिनट के प्यार के लिए तूने आजादी से पहले की दोस्ती को तोड़ दिया, तुम आजाद इतने नहीं है रे। गजा, नए माल के लिए कोई पुराना यार नहीं छोड़ता। वैसे उस पोटी के लिए मैं अपने लंगोटी को, अब मेरा मतलब लंगोटी यार को छोड़ दूंगा। सिल्वर जुबली फ्रेंडशिप को 1 मिनट के प्यार के लिए त्याग दूं। राजा, श्वेता, मेरा मतलब है गजा। राजा, आजा, 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 गले लग जा। आई लव यू, आई लव यू। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? कौन? वो इस भाभी का नया बॉयफ्रेंड। पूरा इतिहास क्यों बता रहा है? मैं बोल रहा हूँ उसे पंगा मत लो। अबे उसकी कमजोरी बता। उसकी यही कमजोरी की उसकी कोई कमजोरी नहीं। शर्म, हया, मान मर्यादा, ये सब तो उसमें है ही। शर्त लगा लो आप उसका बाल तक नहीं उखाड़ सकते। उसको ढूंढ कर नहीं लाया तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहाँ जा रही है? डांस क्लास। तू डांस सीख कर शो करेगी तो मैं क्या काउंटर पर बैठकर तेरे शो की टिकटें बेचूंगा? एक वीक और सीखूंगी तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन बाद हमारी शादी है, पर मैं ना चाहूंगा तुझे। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। मैंने ना बोला। oh!
आप जबरदस्ती मेरी शादी उसके साथ क्यों करवा रही हैं? उसने अपने मतलब के लिए हमारा साथ दिया था। आप जानती हैं कि डांस मेरा पैशन है और इसे मैं नहीं छोड़ सकती। हे बटले, कौन है तू? देवानंद जी। गुरुजी, धुलाई राग लगा। ओके गुरु। कौन है रे जिसने कला और कलाकार को रोका? तूने तूने ए क्या तूने? मास्टर जी, मास्टर जी। क्यों रे, तूने श्वेता को डांस करने से रोका? ए, डांस के बारे में तू एबीसीडी भी जानता है क्या? ये है सलग छाप डांस, ये है चांदनी बार डांस। घूर क्यों रहा है रे? बोलना आज तेरा मौन व्रत है क्या? भाई साहब, इसकी तो मेरे सामने बोलती बंद हो गई। ए, सिर्फ धंधा करने वाला ही असली मर्द नहीं होता, जो मेरा दिल जीत ले वही असली मर्द। इतनी बार का सुबह सुबह मर्डर की न्यूज मत दिखाया करो। ए, मेरा गुस्सा इन अमलाओं पर क्यों उतार रहा है? मुझसे बात कर, मुझसे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। छे 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 छे। भाई साहब, जनाब, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? ये मुझे समझ ही नहीं रहा। इसे मुझे समझने के लिए बोलिए ना। आपकी तो उम्र हो गई है, ये तो भी जवान है। मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी मैं किसी को टपकाऊं तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया करो। अब तक मैं मुर्दे से बात कर रहा था, मुर्दा देख के कुर्ता हिल गया। देवानंद गुरुजी, जल्दी से, घबराहट राग लगा। गलती से मिस्टेक हो गई। अगर मेरी बिना हड्डी की जुबान फिसल गई हो तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। श्वेता को नहीं नचाना चाहते तो उससे शादी कर लीजिए, उसके बदले मैं नाचूंगा। अगर आप अपना ये बड़ा सा हथियार हटा लेंगे तो मैं बिना टिकट गांव चला जाऊंगा। मुझे बुलाया? थोड़ी देर पहले बड़े इमोशनल डायलॉग मार रहा था, जरा फिर से एक बार बोल के बता। गुस्से में आप इमोशनल हो रहे हैं। सिर्फ धंधा करने वाला ही असली मर्द नहीं होता, मर्द वही जो मेरा दिल जीत ले। तेरे बोल बचन में दम है मास्टर। मैं श्वेता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जा ले जाओ उसे। थैंक यू। ए विद्या बालन, अगर कोई मर्द श्वेता के आसपास दिखाई दिया तो तेरी 5 फीट की बॉडी 50 फीट के गड्ढे में होगी। मुझे 50 फीट के गड्ढे से नहीं, आपके डायलॉग से डर लगता है। लेट्स गो, नहीं तो लिटा देगी। सुबह सुबह बहुत मूड में तू। क्या बात है राजा, तू मेरे बारे में सोच रहा है ना? श्वेता को याद कर रहा हूँ। रात में तू उसे भूलने की बात कर रहा था। दंगी होने के बाद आदमी कुछ भी बोल देता है। अरे अरे थम 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 थम। अरे रुक रुक। तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? कल जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा? मैं हाँ समझू, बात पक्की है? लगता है डिलीट हो गया है, मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ। आई लव यू। तुम बनना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे प्यार में खल्लास भी होना चाहता हूँ। अरे मेरी तरफ ध्यान देना, मेरे लिए खल्लास होना बोल तैयार है क्या? तू कौन रे बाबू राव? एक जिम्मेदार भारतीय। पर शक्ल से लगते हो शरारती है। कैसा लगता हूँ? थोड़ा सा वैसा। क्या बना? ए वाला छोड़ो मुझे। तुम रास्ते के हर गाड़ी को अपने फटफटी से कुचलना चाहते हो? तुम जैसों का ध्यान सिर्फ लड़कियों पर रहता है। तेरे थोबड़े पे मर्दाना हाथ पड़ेगा तो सारी मर्दानगी निकल जाएगी। मेरा हाथ जिस पर भी पड़ा वो कभी नहीं उठा। तुम्हें मेरी जेली चाहिए ना? तो तुम्हें पहले इस गुरु का सामना करना होगा, समझ के? छोड़ो मुझे, आज मैं हाथ कुछ दिन मिटा के ही रहूंगा। तू है आज ये पल किया, वरना आज ये फिटता रहता और मेरा हाथ ना रुकता। चलो चल। ए गजा, तेरी भाभी के करीब जाने के लिए मेरे को इस देवपुटी के करीब जाना होगा। तो डिनर में दूसरी लड़की, कितनी लड़की की जिंदगी के साथ खेलोगे इस कड़की में? ए सविता भाभी, ये बता, ये तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तुम अकेले में इससे तो सपोर्ट नहीं कर रही? इस चिपकली में ऐसा क्या है? इस बोतल से भी इसकी कम हाइट है रे। ए तू खामो का मुझ पे शक कर रहा है? मैं चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरी एज जानता है तू? 45, एकदम स्टिल वर्जिन। तुम बोला है रे।
अभी तक किसी ने छुआ नहीं समझे। सविता भाभी खुलिए मेरे ताले की चाबी। छैया छैया करे ताता थैया। तू खड़े दिल पे वार नहीं कर सकते क्या बाती या फिर इज्जत गवाती। ये सब फिर हो जाने के बाद भाभी 45 साल के गुड़ की गली साड़ी लेकर कहाँ चली। छोड़ छोड़ भाभी। सविता लिखूंगा तेरे लिए कविता। मिल के खाएंगे पपीता। जब मारी मैं हाथ डाल रहा तू उंगली कर रहा है फटी जा। तूने किसका कर रहा है और कपड़े मेरे फाड़ रहा है। कोल्हापुरी मिर्ची मेरे होते हुए तू किसी और करे कैसे कर सकता है। राजा सविता भाभी राजा सविता भाभी बीवी भाभी ये क्या हाल है। तू आज छात्री छोड़कर क्यों चली गई। चोरी जमने से पहले तू मेरे खड़े अरमानों पर पानी बहकर चली गई। ये क्या किया तेरी वजह से। अरे मार डाला तूने इसे। अरे क्या किया मार डाला तूने इसे। मैंने इसे नहीं मारा। फूल को भी फूल पे गिरने से मरती है क्या। एक बार छाल पीकर घास पर गिर कर ये कोमा में चली गई थी। देख इसकी कमसिन कोमल नाजुक काया। तुम इसे किस एंगल से कमसिन कह रहे हो। चिंपांजी लेटा हुआ साड़ी पहन के देखता है। पहले खून करते हो उसके बाद पंच मारते हो। जी टीवी स्टार टीवी सहारा टीवी फाड़ना बंद करो। न्यूज वाले को मत बुलाओ पहले इसको ठिकाने लगाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जो बोलोगे वही करूँगा। जो कहूँगा करोगे कसम से। सविता चलो रोज रोज वही डांस और वही ठुमके लगा के मैं दिन ब दिन ढलता जा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है जो इस डांस स्कूल का नया मास्टर भी होगा। मास्टर जी वो कौन है। उसके घुंघरू की आवाज से बंद द्वार भी खुल जाते हैं। वो जब दोनों हाथों से ताली बजाता है तो नाग भी उसे सलाम करता है। उसकी चाल देख कर लोगों का चाल चलन ठीक हो जाता है। इतना आकर्षक है वो। गुरुजी की शिष्याओं को मेरा प्रणाम। मास्टर जी आप इसे नहीं जानते। कल रात मैं इसे अच्छी तरह जान गया हूँ। ये बिल्कुल सीता फल की तरह है। ऊपर से सच अंदर से पिलपिला। थैंक्स फॉर द तारीफ गुरुजी। देखिए मास्टर जी। श्वेता मास्टर जी से जबान नहीं लड़ाते। मैं बात नहीं करूँगा। मास्टर जी हम में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। श्वेता मेरे पास बस का पास है। तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं ही कल डिले लेता हूँ। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं सविता भाभी के पास जा रहा हूँ। अपने आप की नहीं सुन सकते तो क्या हुआ। मेरी तो सुन सकते हो ना। मास्टर मास्टर कहीं नहीं जाओ। थैंक यू मास्टर जी। मेरी कसम तुम हिम्मत हवाई चुम्मी तूने क्यों दी। आप ही ने मुझे ये पोज सिखाया ना मास्टर। आंख और होठ का पोज। आंखें ऐसे चलाओ होठ ऐसे हिलाओ। बेटी ये नई कला है। नए गुरु से नई कला सीखो। मुझे उसकी कमर नहीं दिख रही है। वो क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसे तुम्हारी गोद में बैठ के डांस करने को कहूं। एक हुक्कत का फायदा मतलब हद में रहो वरना तुम्हारी चमड़ी उधड़। सविता सविता बेटी आगे आ जाओ। गुड बाय आ जाओ। मास्टर जी आपने नैन मट्टे का पोज कहा था। ये टिप टिप पानी बरसा रही है। नया गुरु तुम्हें सिखाएगा चेली। इसका हाथ तो पेस्ट्री की तरह सॉफ्ट है। ये स्टेप ठीक है ना मास्टर जी। तुमने कह दिया तो ठीक है कंटिन्यू। ओके मास्टर जी ये कमर ठीक से नहीं हिला रही है। कब से कमर या बाली उम्र या मास्टर ये स्टेप ठीक है। पूछो सही गलत का फैसला तुम ही करो। कमर इसे लगे मेरी उम्र। तुमने उसे मारा कहीं उसने दिल पे ले लिया तो। गुरुजी आपका नया चेला सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे। सावन के फिर वो आईगो। किसी मर्द को सुसु करते देख तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम ऐसे देख रही हो जैसे रोमांटिक फिल्म देख रही हो। पलटो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ोगी। फ्री का शो देखने सारे क्यों आ गए। हमें लगा कि यू सुसाइड। आई सुसाइड।
आई नो सुसाइड, आई एम साइनाइड, कोई मुझे टचिंग, ऊपर पहुंचिंग, पर आपके प्यार और अपनेपन के लिए थैंक यू। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ, डबल थैंक यू, तुमचा सर्वांचा आभार। तुम लोग इतने खुश क्यों हो, वो मर गया क्या? जिंदा हूँ रे। गुरुजी, 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 लगता है आपको मुझे जिंदा देखकर अफसोस हुआ है ना? नहीं, 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 नहीं। श्वेता के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है रे? तुम एकदम थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास भी हो। मैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, श्वेता के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तुम्हें डिलीट कर देना चाहती है। गलत जवाब। तो ये बताओ, यहाँ आने के बाद भी उसने अपने फियांस को फोन क्यों नहीं किया? जब मैं यहाँ भागता हुआ आया तो वो मैग्नेट की तरह मेरे पीछे भागते क्यों आई? बोलो, 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 बोलो। दिल चाहता है कुछ कुछ होता है। देवा, इसका कुछ करो नहीं तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। पागल है। तुम हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें भी तो कुछ कुछ नहीं होने लगा? नहीं नहीं मास्टर जी। ये हंस क्यों रही है पंडित? लगता है श्वेता बदल गई। शुभ समय तो शुरू हो चुका है, अब तो ऐसे चमत्कार होंगे ही। अरे ये तो ट्रेलर था, अब तो 70 mm की फिल्म बनेगी। गुरुजी, गुरुजी, आप सुसाइड करने क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? क्लासरूम में जा रहा हूँ। ये क्लासरूम नहीं है गुरुजी, ये समंदर है। समंदर है। देवानंद, जब से वो साइनाइड यहाँ पे आया है, मेरे बहुत करीब आता जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं उसे चाट ना लूं। देवानंद, चले कल्टी मारो। तुम आ गए? ये किस लिए? बर्थडे है तुम्हारा? नहीं, आपका। मेरा? ओह, इतना मस्का, इसके फूल में जरूर काटे होंगे। बोलो इरादा क्या है? सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, यहाँ के सारे स्टूडेंट को पब में पार्टी देना चाहता हूँ। सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग श्वेता। पार्टी कैसे होगी? चल पापी, तू हट, मुझे सब पता है। वहाँ तुम मासूम लड़कियों के साथ पार्टी में क्या करोगे? इतने छापड़ पड़ेगा गिरना मुश्किल हो जाएगा। तुमने मुझे मारा क्या? नहीं, आपको वहम हुआ? वाकई नहीं मारा? गुरुजी, लेट्स डू ताता थैया इन बर्थडे पार्टी। उससे ज्यादा मुझे रॉक एंड रोल करना पसंद है। अगर एक बार और पार्टी का नाम लिया ना, तो नीचे छुटा के पीठ पे पार मार के चमड़ी उधर दूंगा। क्या हुआ गुरुजी? मेरे मुंह से निकलते ही वो काम पूरा क्यों हो जाता है? गुरुजी, शिष्यों के साथ बर्थडे पार्टी। गुरुजी को परेशान मत कर, अब नहीं माना तो गुरुजी तेरी टांगों पर चूत दिखा देंगे। तुम्हारे कहे हुए शब्द को ये मेरे ऊपर क्यों आजमा रहा है? गुरुजी, बर्थडे पार्टी। देख, अगर गुरुजी को गुस्सा आ गया। बस कर, कुछ मत बोल, मुंह मत खोल। इससे पहले कि फोकट में ऊपर पहुंच जाऊं, बर्थडे मना लेता हूं। आंखों से बहती धारा ये खुशी से बह रही है। आई हेट किड्स। खरच, 45 साल की जिंदगी में जब मैं मुड़ के देखता हूँ, टाटा भैया के अलावा चिंता कर चिता चिता के सिवा मैंने इस तरह केक कभी नहीं काटा। अच्छा राजा, गुरुजी की काश तुम्हारी तरह मेरा भी कोई अपना होता। होगा, आज अपना सपना तो पूरा कर लीजिए। इस पे मेरा नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा, वो आपको दिखा, लेकिन दिल में कितनी इज्जत है वो नहीं दिखी। राजा, तू क्या बोली रहे? मैंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए भगवान ने तुम्हें हाइट दी, दिमाग नहीं। मुझे भी तो बताओ। आप चुप रहिए। लास्ट मिनट पर क्यों कहा? क्या कहा उसने? क्या कहा इसने? क्या कहा बोलो ना। श्वेता का बर्थडे भी आज ही है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो लोखंड वाला से दो केक ऑर्डर करता। आप मेरी एक आँख, दूसरी आँख मेरी श्वेता। पता नहीं किस आँख की साइड हो, मेरी दोनों आँख फड़फड़ा रही है। तो वाकई दमदार खाते रहो। अब मैं क्या करूँ? बंद कर, उसी से कटवा ले, मैं खा लूंगा। आप पुरुष नहीं महापुरुष है। आप पार्टी का बिल भरिए, तब तक हम केक काटते हैं। जाइए जाइए जाइए, तुम केक काटो बेबी। मैं केक नहीं काटूंगी। हे श्वेता, लगता है तुम कल के बारे में अभी भी सोच रही हो। तुमने क्या देखा? मुझे कुछ याद नहीं। अब हम बस अच्छे दोस्त है। हाँ, अगर फ्रेंडशिप से ज्यादा तुम्हारे दिल में कुछ है तो केक मत काटना, चलेगा मुझे? चलेगा। छुड़ाना है तो चुपचाप केक काट दो, इतना मत सोचो, क्योंकि वो काट लेंगे। बर्थडे का पता कैसे चला? लवर का बर्थडे मेरे दिल के कवर पर छपा है। लवर, तुमने तो फ्रेंड कहा था। लवर की तरह केक लाया, सेलिब्रेट फ्रेंड की तरह किया। मान गए गुरु। म्यूजिक। अच्छा श्वेता, मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है।
आई गो सॉरी माय मिस्टेक सॉरी हाँ सॉरी 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 अगेन माय मिस्टेक उलाला उलाला माय मिस्टेक उलाला उलाला जिंगा लाला यू राइट में होटल है लेफ्ट में मेरे बाप का बंगला है बेबे चॉइस इज योर्स लेफ्ट में चसलोक हॉस्पिटल है राइट में अपोलो हॉस्पिटल है चॉइस इज योर्स मार खा के आया मुन्ना डायलॉग तू बोला फिल्म का हीरो तो मैं हूं जाके मेरी शीशा को बचाओ नहीं नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो पुण्य का काम है आप फिल्म में नहीं देखते गुंडे लड़की छेड़िंग हीरो एंट्री मारिंग उनकी धुलाई करिंग लव होइंग गाना गाइंग कमर मटकाइंग मुझे लेजी माता डुएट गाना नहीं इससे बोलो ना कि तुम इसे अपना भाई समझते हो एक बार इज्जत खो गई तो खर्चा करने पर भी वापस नहीं आएगी चले मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करेगी लॉक करूँ लॉक क्या क्या तू इतना भाव खा रहा है जैसे तू लड़की को बचा ही लेगा मुझसे क्या तू यहाँ की तोप है तू एक्सप्रेशन बदलेगा तो चलेगा तुम अपना एक्सप्रेशन मत बदलना अगर एक्सप्रेशन बदला तो सब कुछ बदल जाएगा ऐसे 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 ही रहना जो मेरे भेजेगा वड़ा पाव करेगा उसे मैं तवे पे फ्राई करेगा गुरुजी आंखें चमक रही है होंठ फड़फड़ा रहे हैं एक्सप्रेशन बदल रहे हैं कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करती नहीं करती तुम फाइटिंग फाइटिंग करती जाओ तुम्हारी वजह से हम फ्रेंड्स नहीं रहे बल्कि लवर्स बन गए बक 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 कशी पकते थी माला फसली पोर की फसली अकबाई तुम्हारी राइट आंख इतनी चमक क्यों रही है करसांग कहीं तुम मेरे प्यार के कुएं में गिर तो नहीं गई नहीं नहीं वाच लो रे देवा मेरे और श्वेता के बीच में कुछ नहीं है आपने प्रॉमिस किया था आप जीत गए गुरुजी गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं खुशी की धारा है ना नहीं दुख की धारा क्यों नीचे देखो गुरुजी दो हाथ के बजाय मेरे चार हाथ कैसे ए श्वेता गुरु की प्रॉमिस का क्या होगा कैसा प्रॉमिस प्रॉमिस गया तेल लेने वो बच्ची है उसकी बातों पर ध्यान मत दो तुम अपने आप को अलग कर लो गुरुजी कांटे साड़ी पर गिरे या साड़ी कांटे पर गिरे बटना तो साड़ी को ही पड़ता है कहावत सच हो गई ये कैसी आवाज थी सारी सचमुच पड़ गए गुरुजी तेरे ऊपर आने का समय आ गया है बेटा हंस ले मंगेतर की अंगूठी श्वेता ने मुझको पहना दी विद्या बालन को क्या चूना लगाया रे तूने कैसा जड़ा है वो उसने तुझको सविता भाभी समझ लिया फूलों पर गिरने के बाद भी वो चिरकुट को लगा कि मैं मर गया ये रहूं मैं चिरकुट में हूँ आपने सब कुछ सुन लिया सब कुछ सुना विद्या बालन जी गुरु विद्या बालन जी मुझे सेंटी लगाते हो गुरु जी आप किसे फोन लगा रहे हैं हमारी मौत को गुरु जी नहीं नो हाँ बोल विद्या बालन कहाँ हो तुम मैं बोट पर फिशिंग कर रहा हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जिसने पकड़ा मैंने उसको पकड़ा अबे कौन है वो इसी इमोशन और एंगर के साथ यहाँ पे आओ सिर्फ डांस सिखाते वक्त मैं विद्या बालन हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है ना विनाशक बालन बन जाता हूँ ये तो भड़केला है भड़केला है अबे माफ कर दीजिए गुरु जी आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे भीख मांगते हैं आपको क्या चाहिए बोलिए ना क्या चाहिए हाथ जोड़ता हूँ जोड़ता हूँ गुरु जी ये अंगूठी मुझे बिग बी ने दी थी 10 करोड़ की है 10 करोड़ मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अंगूठी नहीं दूंगा राजा ये गुरुजी को दे दे हम दूसरी खरीद लेंगे जल्दी दे दे नहीं दूंगा दे दे। नहीं दूंगा मैं तुझे मेरे सर की कसम है तेरा ही गुरुजी नको रो राजा नको नो ये अंगूठी आपको भविष्य में काफी ऊपर पहुंचा देगी गुरुजी जब वो आएगा तो आप उससे क्या कहोगे कहूंगा कि वो भाग गया और श्वेता का क्या बोल दूंगा डांस सीख रही है लेकिन गुरुजी वो तो भाग गई है क्या हाँ गुरुजी श्वेता उसे भगा ले गई गुरुजी कहाँ है वो
पता नहीं सर, भाग गया सर। श्वेता कहाँ है? पता नहीं सर, श्वेता भाग गई सर। कहाँ गए वो? मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ अता पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, भरोसा कर लो ना। ये तेरे पास कैसे? ये मेरी अंगूठी है, 10 करोड़ की है। बी का मतलब बी फॉर बालन नहीं, बी फॉर बाबू, हर बार बाबू। बी फॉर बाबू भी नहीं, बी फॉर बालन भी नहीं, बी फॉर बिग बी बच्चन साहब, यू नो। अरे येड़े श्वेता को दी हुई एंगेजमेंट रिंग है ये। ये अंगूठी आपको भविष्य में काम पहुंचा दे। ये बताओ दिखता कैसा है? गुरुजी आपके शिष्य का फोन है। ये तेरे को फोन क्यों कर रहा है? इसे ही तो आपकी आइटम भगा लेगा। यानी ब्रोकर कहीं के दल्ले? मेरी मंगेतर को इसके साथ भगाने वाला बिचौलिया तू ही है। बात कर, जल्द बात कर, स्पीकर ऑन कर। गुरुजी आपके बगल में एक लंगूर खड़ा होगा, फोन उसे देना। लंगूर? लंगूर कौन है? मेरी बात कर रहा है। ओ, मतलब तुम बाबू नहीं लंगूर। क्या रे? गला मत मार, अपनी एनर्जी संभाल, ज्यादा बात मत कर, चार्जिंग खत्म हो जाएगी। झटपट आ जा, मैं यार लोना वाला खंडाला में हूँ आज, तो तू है या मैं हूँ? एक्सप्रेस में से आ। तुमने उसे क्या क्या बोल दिया? तुम्हें डर नहीं लगता? श्वेता माझी डार्लिंग, जब ऊपर वाले ने अपन को पैदा किया तो उसने अपन को पैसा, खूबसूरती, नाम, रुतबा नहीं दिया, बस एक ही चीज दी, वो है चिकन। ट्रक बिना ब्रेक के कभी रुकता नहीं, और सच्चा प्यार करने वाला कभी किसी के सामने झुकता नहीं। इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, मैं आज तक बस डर डर के जीती रही, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। तो एक पप्पी देना ताकि मेरी जिंदगी भी बदल जाए। लाजुनो को पप्पी देना। करने वाला था पर साले तुम लोग काठी लेकर आ गए। 5 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? पुलिस टाइम पर नहीं आती, विलन बिफोर टाइम पहुंच जाते। हाय, चलो नीचे चल कर चिक्की खा के आते। अरे रुको 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 रुको, ए टकले, ये मुझे मार क्यों रहे हैं? तू उस लड़की से प्यार करता है इसलिए। लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए? फिर लैला, मजनू, अकबर, बीरबल, इन्होंने प्यार में अपनी जान तक दे दी, तू मार भी नहीं खा सकता? अकबर बीरबल ने भी प्यार किया? मुझे प्यार। देखा भाई, आखिर मैंने कर दिखाया ना, ये लो संभालो भाभी को, खुश रहो। ये उछड़े चमार, बोल चिकने, मेरी छावी को उसके हाथ में क्यों दिया? तेरी वाली को भाई भी प्यार करते हैं। वो भी उससे प्यार करते हैं? इनका प्यार 10 साल पुराना है। हमारी 10 दिनों से मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे इतनी पड़ी? तो ये तो 10 साल से इससे प्यार कर रहा है, इसको कितनी पड़नी चाहिए? चिकने का क्या कैलकुलेशन है? मुझे मारने की हिम्मत। आज तक मैंने लोगों के भलाई के लिए, दारू चकने के लिए, दोस्तों के लिए धुलाई की है, पर आज फर्स्ट टाइम मैं अपने प्यार के खातिर सबकी धुलाई करूंगा। मैं एक एक को मुंबई का वड़ा पाव 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 याद दिलाकर रहूंगा। डार्लिंग, मार खा खा कर मैं तंग आ चुका हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने रसीले होठों से एक पप्पी तो दे दो। तो खाता तो वारदात हो
कितना बुरा सपना देख रहा था मैं। सपने में मौत के यमदूत मुझे नरक ले जा रहे हैं। तुम सपना नहीं देख रहे थे बच्चे, ये हकीकत है। मैं कहाँ हूँ? यमलोक में। श्वेता कहाँ है? धरती लोक में। तुम थोड़ी देर पहले ही टपके हो, कार तुम पर गिरी, फ्लैशबैक में जाओ। टीचर कंगाल कड़का लगता है, उस पर जुल्म ढाया जा रहा है और इसे पालकी में ले जाया जा रहा है। हाँ न्याय कशाला। वो अमीर हुआ तो क्या हुआ, वो पापी है, उसने कभी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए नर्क जा रहा है। भिखारी होकर भी इस आदमी ने दूसरों की मदद की और बहुत पुण्य कमाया, इसलिए स्वर्ग जा रहा है। हमारी दुनिया में पाप और पुण्य गिने जाते हैं, हरे हरे नोट नहीं। इतना छोटा लॉजिक धरती वाले कब समझेंगे, पैसों के पीछे तुम हिलाने वाले कुत्ते बन जाते हैं। आने दो ऊपर, आने दो, नर्क 90% हाउस। अरे रुको रुको रुको, ब्रेक 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 ब्रेक, थामा थामा थामा, हवाई जहाज रोको। ये ऊपर इतने सारे स्क्रीन्स क्यों हैं? क्या तुम्हारी दुनिया का ये मल्टीप्लेक्स है? ये मल्टीप्लेक्स नहीं, यमोमीटर है। इंसान जो अच्छे बुरे कर्म करता है वो इस पर दिखाई देता है। तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। पर वो लोग कौन है? लगता है जैसे वो मौत से लड़ रहे हैं। ये सारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परीक्षण कर रहे हैं। हरा स्तंभ पुण्य के लिए है और लाल स्तंभ पाप के लिए है। अपने पुण्य की वजह से अगर इंसान धरती पर और ज्यादा जीना चाहे तो उसे पुण्य करना चाहिए, पर अगर ज्यादा पाप हुए तो वो मर जाएगा। मोटा भाई मेरा भी चार्ज स्मॉल स्मॉल पार्ट में दिखाओ ना। तुम्हारा टिकट तो कट गया है, यमोमीटर दिखाओ चीटर के कर्मोमीटर। झटका क्यों लगा? लगता है मेरे पुण्य के ओवरडोज से यमोमीटर ब्लास्ट हो गया है ना। नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया है कि यमोमीटर की टंकी भी ब्लास्ट हो गई। कायरे देवा, धरती पर तो किस्मत ब्लैंक लिखी थी, कम से कम इस पर तो देख सकता था। क्या कहते हैं, यमोमीटर, इधर भी सब कुछ चौपट हो गया। ब्लैंक सीडी की तरह मेरी किस्मत भी ब्लैंक लिखी। तुझे तो यमराज की जय हो, ये घंटा तू बच रहा है। नर्क में लैंडिंग हो रही है। जय हो, जय हो, जय हो। चित्रगुप्त, टाइम पास बंद, काम चालू। क्या हो रहा है चित्रगुप्त? प्रभु, ये सब क्यों हिल रहा है? बाइकर की एंट्री से सिर्फ आपका सिंहासन ही है, बाद में आप खुद हिल जाएंगे। आई शपथ का दोस्त, फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही लग रहा है, पर वजन ज्यादा है तुम्हारा। किलिंग के साथ साथ डाइटिंग और वॉकिंग शुरू करोगे तो स्लिम और स्मार्ट लगोगे। अरे हाँ, वो बटला इंसान का है जो सबका हिसाब किताब करता है, अकाउंटेंट टाइप। ऑन योर राइट गुप्ता भाव, कैसे का है? मैं ठीक हूँ, टेल मी हाउ आर यू। चित्रगुप्त, यस प्रभु। इस हंटर के पापों की लिस्ट सुना? मैंने कोई पाप वाप नहीं किया तो ये टाइम पास क्यों? कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया। श्वेता की चुम्मी लेने गया तो इतनी बड़ी सजा दी, छी। उसे शिवाजी पार्क भी नहीं लेके गया। बाद में शादी के बाद सब कुछ करने का प्लान था। मानव, ये पार्क में क्या होता है? चित्रगुप्त, प्रभु, लड़कियों की तरह एक्सप्रेशन देना बंद कर और ऑफिस आवर में कुछ काम कर। इसका सिंहासन ही जला दूंगा। प्रभु, एक गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई। बता। मेरी आंखों में मोतिया हो गया, इसलिए मैंने इस आम इंसान को उसके वक्त से पहले ही ऊपर बुला दिया। इतना बड़ा झोल, वो भी मुंबई के पब्लिक के साथ। मुंबई की पब्लिक जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। इससे पहले कि इस फंटर को हमारी गलती का पता चले, इसको इसकी बॉडी में जल्दी से डाल दे वापस। बहुत देर हो चुकी है प्रभु, इसका शरीर तो जलकर राख हो चुका है। वो शमशान वाले को इतनी जल्दी किस बात की हो गई थी? ओ, अब जो हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता। आप अब फाइनल डिसीजन मेकर हैं। आप भुगते, मैं चला वेकेशन पर रंबा और उर्वशी के साथ। मिस्टर गुप्ता, मेरे साथ डू इट, डू इट।
देखो मानव, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। देखते नहीं यहाँ पे यूनिवर्सल क्राइसिस चल रही है। क्या बोल रहे हैं? रुकिए प्रभु, एक्सीडेंट में केवल तुम्हें छोटी मोटी चोट आनी थी। चंद्रगुप्ता, लेट मी फिनिश, ये मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। चंद्रगुप्ता, कीप क्वाइट प्रभु, हमने तुम्हें वक्त से पहले फोन लगा दिया। मुंबई के पब्लिक का नाम सुनते मैं हड़बड़ा जाता था, और तेरे को भी लोचा करने के लिए मुंबई वाला ही मिल गया। यही गलती नर्कों के बजाय धरती लोग पर होती तो सारे न्यूज चैनल पर ये अब तक ब्रेकिंग न्यूज बनकर दिखाई जाती। यम मंडली की धोखाधड़ी, भारत बंद का ऐलान होता, SMS कंपटीशन शुरू हो चुका होता। यमुनानगर की माचो मंडली, मुझे ये तो बताओ कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए यहाँ कोई न्यूज चैनल है कि नहीं? नारायण नारायण। नारद मुनि, यम एंट्रेंस के सारे मेन डोर से बंद है, आप कहाँ से अंदर आ गए? प्रभु, ये नारद बैक डोर से अंदर आया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुझे इस तंबे ने बताया। सही कहा, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मानव, बोला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। कैसे? मानव, ओ मेरी सुनो, यहाँ का रिपोर्टिंग बिजनेस ठंडा चल रहा है, इसलिए 2 साल से एक भी न्यूज नहीं मिली। अगर मुझे तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए तो मैं यहाँ से युवा को आउट कर दूंगा। सिपाहियों, प्रभु, नारद मुनि को लेकर जाओ और 5-6 दुनिया दूर पटक कर आओ। अन्याय, अत्याचार है ये। आजकल इंटरनेट का जमाना है, मुझे कहीं भी छोड़ो, मैं न्यूज टेलीकास्ट करके रहूंगा। आज नारद जी न्यूज का टेलीकास्ट अभी करने ही वाले थे तो आप उन्हें 5-6 दुनिया दूर भिजवा रहे हैं। वो साधु सन्यासी है इसलिए चुपचाप चले गए। मी दसनाय, मैं उल्टा करके तुम्हारी गांव की मिट्टी याद दिला दूंगा। मानव, हम तुम्हें कल तक धरती पर वापस भेज देंगे, तब तक आप मेरे प्राइवेट चेम्बर में आराम करो, सब कुछ अवेलेबल है। प्रभु, जिन पावर हाथों से आप पापियों को सजा देते हैं, उन्हीं हाथों से आप इसे सोबरस पिला रहे हैं। बिल्कुल वेटर की तरह रंबा है कमिंग। चित्रगुप्ता। धर्म प्रभु, विस्की, रम, वोडका, कंट्री, देसी, मैंने दुनिया भर की इंपोर्टेड शराब पी है, पर ऐसी शराब पहले नहीं पी। कौन सी भट्टी की है प्रभु? गली झालो रे तंबे। आप चले गए तो मेरे साथ गेम्स कौन खेलेगा? क्या गेम? हाँ, पीने के बाद मुझे गेम्स खेलने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। क्या तुम किसी का गेम नहीं करोगे? प्रभु, नारद बिल्कुल एक छात्र जासूस की तरह सब कुछ सुन और देख रहा है। न्यूज का एक अक्षर भी अगर उसे पता चला तो वो लाइव टेलीकास्ट कर देगा, मेरा, आपका और उसका। गेम खेलते हैं। ये पंडर ने मेरे सर के ऊपर कद्दू रखा है, हम जाने कौन सा गेम खेलने वाला है। अब मैं कद्दू को उड़ाऊंगा। प्रभु, ये बहुत भारी होगा ना, इसलिए आप एक छोटा और हल्का सा नींबू रख लीजिए। प्रभु, आग लगाओ निशाना। इसका खेल जल्दी खत्म नहीं किया तो ये उछाल उछाल कर हमारा खेल भी जल्दी खत्म कर देगा। देखिए, वो आ गया। वेल्कम रिपोर्टर। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी पधार में एक धार घुस गई है। लेकिन कैसे? छोटी कहानी को लंबी मत करो, पीछे कई धारे तुम्हारे पधार में घुसने के लिए। चलो रुकिए, संवाददाता, तुम ही कुटे मुझे लगा तुमने मेरे स्वागत में दरवाजा खोला, पर यहाँ आया तो कुछ और ही रास्ता। रुक जाओ, मेरे दिमाग का मत करो, वरना पाओ पर तीर में तीर खाओ। Don't angry me. चलो, टूनों का टुंटना हो गया। आज इस मानव ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इतनी खुली? मुझे बाण ने सिखा दिया कि नारायण नारायण जपते रहो, लेकिन दूसरे के पछेड़े में अपनी टांग ना अड़ाओ। प्लीज हॉल्ट नारद जी, इस मानव ने 3 बाण मारे थे, 2 है, तीसरा कहां गया? पता नहीं कहां खो गया, घर जाकर अच्छी तरह से ढूंढता हूँ। कोना कोना छान मारिएगा। प्रभु, आपने कहा था कल सुबह धरती का रिटर्न टिकट देंगे, तो सो क्यों गए? मानव,
हमने दिमाग पे बहुत जोर डाला पर तुम्हें वापस भेजने का तरीका हम सोच नहीं पा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। एक महीना दे दिया। अबे चित्रो, ये बातें बहुत कड़क करता है लेकिन दिल का बहुत नरम है। पता नहीं मेरी बाई आंख ज्यादा फड़फड़ा रही है। बेटे, you are from Mumbai? क्या जजमेंट है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि और कोई हम पर भारी नहीं पड़ सकता, पर तुम तो कोऑपरेटिव लगते हो। अबे चित्रू, जी प्रभु, कितनी बार कहा कि लैपटॉप रखा करो? वो क्या है? शट अप, मैं इसे खुद सुलझाऊंगा। सुपुत्र बप्पू, ब्रह्मदेव ने धरती पर 7 एक जैसे दिखने वाले मनुष्य बनाए हैं, जिनमें 4 का विकेट तो पहले ही गिर चुका है। पता करो कि उन तीनों में से कौन मौत के सबसे ज्यादा करीब है। इस मुंबई वासी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब तो खुश होना मेरे बाप। यम प्रभु का हुक्म सर आँखों पर, मुझे तो जीने के लिए बॉडी चाहिए, कोई भी चलेगी। ये चाइनीज योद्धा है, ये 2 दिन में मरने वाला है। क्या तुम इसके बॉडी में परमानेंट शिफ्ट होना चाहोगे? घाइनो को पहले मैं ट्रायल लूंगा। ट्रायल? मुझे उस बॉडी में पूरी जिंदगी बितानी है। मैं उस बॉडी में बैकडोर एंट्री करूंगा, 1 घंटा बिताऊंगा, जमा तो रहूंगा वरना वापस आऊंगा। 14 राइट वाला नूडल कुछ बोला, लेफ्ट वाला मंचूरियन हंसा, मतलब मैं जरूर फंसा। कहीं ये मेरा फ्राइड राइस तो नहीं बनाने वाली? स्वादिका मैं खुश हूँ तो ये उदास क्यों है? ये मेरी तरफ देख के क्या इशारे कर रहा है? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, लड़कियों के कपड़े भी एज गुड एज ना के बराबर है, पर फिर भी बाबू राव तेरे अरमान क्यों नहीं जग रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? राजा प्रभु, ऊपर की जो पुल भी आप राजा प्रभु, क्रिकेट के मैदान में मुझे उतार तो दिया पर बैट कौन आपका बाप देगा? कितने उछलते बॉल मेरी तरफ आ रहे थे। उस योद्धा में कोई कमी थी क्या? उस मानव की तो बॉडी शॉडी मस्त है पर उसके पास सबसे जरूरी चीज ही नहीं थी। तो वो सब कैसे होता? आम सामने होकर भी काम तमाम नहीं होता। शांत हो जाओ, अफ्रीका में एक और आदमी है जो बिल्कुल तुम जैसा दिखता है। जाओ उसकी भी बॉडी का ट्रायल ले लो। I love African stop, where are you going? Army is calling. Why coming? You are terrorists. Terrorist? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज तो मैं को मानो, नाराज मत हो, तीसरे इंसान का ट्रायल ले लो। नहीं अमराज, नो ट्रायल, नो टेस्टिंग, नो टाइम वेस्टिंग। स्टोरी बोलो, कौन है, कहाँ रहता है? बात जमी तो मैं उसकी बॉडी में सेटल हो जाऊंगा। तो देश है हरियाणा का होम मिनिस्टर। Hey guys, wake up. Whoa, whoa. Sexy body. Whoa, whoa.
let's go party, party, party. Sexy lady, whoa, whoa. Sleek body, whoa, whoa. Figure juicy, look at tonde, buy a cigari. Sexy lady, chandli raha, sexy body, kuri kuri, let's go party, party party. World map lo enta vetakina ekkaduntano I don't know. నైట్ మాత్రము ముద్దు గుమ్మలా అందమైన ఈ కమంతట ఆక్సిజన్ గుండెకెప్పుడు మంచిదే కదా పీల్చుకో మరి మరిచాన్ అలుగు అలుగు ఎంత సుఖముండదో మీద మీదకొస్తే అర్థమవుతున్నదే. Sexy lady, whoa, whoa. Sexy body, whoa, whoa. Cootie cootie, let's go party, party party. Tack tack. मारे सर पर पिताजी का हाथ होवे और 100 करोड़ लोगों का प्यार जिसके साथ रहवे तो उसकी ट्रिप कैसी होवे अद्भुत. वहाँ पर काम की क्या क्या बातें हुई सर? देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मन ने ये बात दबा के रखनी है. हर लम्हा सुहावना. तू बता. बहुत ही सुपर एक्सप्रेशन बदल ले. हाय रविंदर, तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है. बहुत बढ़िया. बाबूजी मरने से पहले मुझे यही दौलत तो दे गए. कहाँ मिलने आऊँ? अपने पुराने अड्डे पर. ओके. एक दो तीन. बोलो बेटा फिरंगी. What is the meaning of ding a chicka? Good doubt. सभासदों, ding का मतलब परमात्मा और chicka मतलब आत्मा. परमात्मा आत्मा का मेल मतलब ding a chicka. Touch the god. Now are you all ready to touch the god? Yes. शांताराम बेटा, ताऊ बेटा, रविंद्र बेटा, जल्दी ही तुम्हारी शादी कन्या के साथ हो जाए. पॉसिबल नहीं है. आशीर्वाद दीजिए कि दुनिया की भलाई हो. पहले जनता, फिर मेरा भला होए. सब लोग सुखी रहे. मेरे भक्तों को भी इसने अपना फैन बना लिया. मुझे लगता था सिर्फ मैं ही अकेला चोर हूँ. मारे से बड़ा चोर ना है तू. थार ने बहुत चुन्ना लगा लिया, अब मने कत्था लगाने दे. एक्सप्रेशन बदल ले. ये 7-स्टार होटल है जो हम सिंगापुर में बांधने वाले हैं. मैंने हम सबका बराबर का हिस्सा इन्वेस्ट किया है. कौन नो डाउट? हम तुम पर डाउट करेंगे. हमारे काले धंधे के पैसों का तुम ही तो स्विस बैंक हो. जब से तुम सत्ता में आए हो हमने घपला किया है पूरे 200 करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड. मेरा सारा ब्लैक मनी वाइट बन जाएगा विदेश जाकर. बस तुम्हारा सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए. तुम्हारे बापू सीएम नहीं बनना कहते रहे और पार्टी लीडर बनकर सेवा करते रहे.
तुम ऐसा मत करना। जो इंसान आगे बढ़कर दूसरों के हक के लिए लड़े हैं वो लीडर कहलावे हैं, जैसे कि मारे बापूजी, पर उनका कुछ नहीं होवे। पर जो इंसान पीछे रहकर दूसरों को लूटे हैं वो पॉलिटिशियन कहलावे हैं, जैसे कि मैं। मारे पास पैसा है, सीएम की कुर्सी भी आ जाएगी। लोग आपके चेंबर में इंतजार कर रहे हैं सर, हमें जल्दी निकलना होगा। मंडे जाकर प्रजा की थोड़ी सेवा करनी है। ये सरकार लोगों की भलाई के लिए हुए, उन्हें लूटने के लिए ना, सारा काम हो जाएगा। रविंदर बोलो ताओ, तुम्हारे ऑफिस में जो चाइनीज ग्रुप है वो हमारे ही क्लाइंट है, सौदा ध्यान से कर। सब मंडे पे छोड़ दे, बैठो जी। हाय सर। बंदा थारी सेवा में हाजिर है, काम बोलिए। हमें फैक्ट्री बनाने के वास्ते आपका परमिशन चाहिए। मुश्किल है, मारे को ना लगे वो मानेंगे। 5,000 परिवारों का सवाल हो, आपको 1,000 करोड़ रुपया देगा। उन्होंने भरोसा करके मरने चुना है। 3,000 करोड़, मारे जैसा ईमानदार आदमी इतने में ना दिखे। 5,000 करोड़। शंभू काका, माँ आई क्या? नहीं मालिक। वो नहीं आवेगी, मरने ही जाना पड़ेगा। क्यों माई, तूने मारे को जन्म दिया, साष्टांग प्रणाम। खाना खाया, दवाई तो ली होगी ना? मारी बातें तारा कान में तो पड़े ना, मारे घर में तो तू कदम ना रखे। तू तो कहे ये मंदिर थारे पति ने ईमानदारी के पैसों से बनाया है। बकवास, अगर थारे पति ने लोगों की परवाह ना करते हुए सिर्फ माल कमाया होता तो मारे को कंगालों की तरह जीना ना पड़ता। मारे को पता है तू दरवाजा ही बंद करेगी। तूने अपने उस मरे हुए ईमानदार पति के लिए अपने जिंदा बेटे से दूरियां बना कर रखी है माई। तू अपनी जगह से, मैं अपनी जगह से। अरे बाबूजी के उसूल मारे भेजे में ना आवे, मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे नहीं नहीं बोलना तो मुझे। मरने अनाथ बनकर ही जी लूंगा, नहीं चाहिए मरने माई। मानो इसके शरीर में तो तुम जरूर एंट्री मारना चाहोगे। 100 रुपए चोरी करने पर आप लोगों को चाबुक मारते हैं, तेल में डुबो कर निकालते, चिलकों को खिला देते हैं। इसने तो 1,000 करोड़ सपाचट कर लिया है। दुनिया उसे नहीं अपना रही, उसकी माँ उसे नहीं अपना रही। उसके शरीर में घुसकर मरने के बाद यहाँ आऊंगा तो आप तो मेरा भजिया तलेंगे ना। क्या 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 मुझसे बदला लेने की अच्छी तैयारी की है यम जी? मिस्टर गुप्ता आप तो देर शाने हैं। क्यों? फिक्र मत करो मानव, इंसान के कर्म उसके कार्य कब बदलते हैं कोई नहीं जानता। ट्रेलर देखो। जिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 से भी ज्यादा लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। बचाव कर्मी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्टर भी घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं और लोगों ने उन्हें घेर लिया। रविंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंक्वायरी कमीशन को भेजा तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, बेल भी नहीं मिलेगी। बाकी सब मैं संभालूंगा, तुम्हें सीएम बनाना मेरी जिम्मेदारी। अपोजिशन पार्टियों के दबाव पर होम मिनिस्टर रविंदर ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया है। कार्यकर्ता नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि रविंदर को जल्द ही रिहा किया जाए, वरना वो शहर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देंगे। कई नौजवानों ने खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा दी है। इससे पहले कि ऐसी दुर्घटना और बढ़े उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। नमस्ते सर। मालिक, ये तुमने क्या कर लिया चंद्रू? आप मेरे नेता है मालिक, मैंने कहा था मुझे मिलने आएंगे। मालिक आप आ गए। मालिक मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा मालिक, मैं ठीक। चंद्रू चंद्रू सर, सर आप दुखी मत होइए, मुझे दुख नहीं है कि मेरा भाई मर गया। हर इंसान जो पैदा होता है उसे मरना है, आपके लिए मरा ये इसकी खुशनसीबी है सर। मुझे कोई दुख नहीं है सर।
ये हमने अच्छा नहीं किया। याद है राजा को जिताने के लिए हजारों सिपाही कुर्बान हुआ करते थे। इन कीड़े मकोड़ों की परवाह मत करो। पब्लिक दो दिन में सब भूल जाती है, तुम फिक्र मत करो। इन्हें देखकर इमोशनल होगी तो आंसू आएंगे, इग्नोर करोगे तो सीए बन जाओगे। अपनी तरक्की के लिए तुम हमारी जिंदगी से खेलते हो, सीएम की कुर्सी के लिए मेरे हाथों से ही मारा। पागल हो गया है ये, आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तेरी। तुम्हारे पिता और मैं खुश थे कि हमने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। तुम एक अच्छे नेता हो, ये लोगों को गलत फहमी है। मेरी कोख में तुम मुझे हमेशा लात मारते थे, तब दर्द नहीं हुआ, पर अब दिल पर इतने वार कर रहे हो कि सह नहीं पा रही हूँ। आज तक तुम्हारी सारी गलतियों को देखकर मैं हमेशा चुपचाप सहती रही, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी ना कभी बदलोगे, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई और आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम एक अच्छा बेटा बनकर अपने पिताजी का सपना तो पूरा ना कर सके, बस अब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। जब मैं मरूंगी तो मेरी लाश के साथ पॉलिटिक्स मत खेलना। हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ तुमसे, फ्यूचर सीएम, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आज तक की हमारी काली कमाई मैं जनता में बांट दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कल मैं हमारे गुनाहों का कट्ठा चिट्ठा मीडिया को बताने वाला हूँ और जेल जाने वाला हूँ। तो क्या हम सब भी जेल जाएंगे? हाँ, तुम सभी जेल जाओगे। ऐसा कुछ मत करना, हमारी डील हुई थी। सारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, मारो फैसलो सुनाने के लिए किया है। पूरा तबेला गया पानी में। माफी का मतलब आज मैंने अच्छी तरह से समझ में आ गया। मत मत माफ कर। शरीर में जाना चाहोगे मेरी गलतियों को सुधारने के लिए? मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं और ये सारे इंसानों में आखिरी ऑप्शन है। फैसला तुम्हें करना है, सोच लो। कल रात एक रोड एक्सीडेंट में होम मिनिस्टर रविंद्र की मौत हो गई। सीएम के साथ मिनिस्टर्स और कई नामी हस्तियों ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया और श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मैं अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी हम भाइयों की तरह थे। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था, वो हर बात में मुझसे आगे था, शायद इसीलिए मुझसे पहले मौत को गले लगा लिया। ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? तूने हमारे रविंद्र को हमसे छीनकर बहुत गलत किया। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि रविंद्र जैसा इंसान ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। इसने भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए और तो और बेघरों को छत दिलाई। ए महान पुरुष, तुम उठ जाओ, जनता को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस सृष्टि का कल्याण करना है, तुम्हें जीवित होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा।
साहब चल बसे तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ उन्हें देखने के लिए। काका के गुजर जाने के बाद भी पूरी सड़क जाम हो गई थी, लेकिन मंत्री के टपकने के बाद कितने लोग जमा होते हैं ये देखना था। चाय ला पिए। आया सर। कैसी लगी थारे को मारी नौटंकी? सुपर हिट सर। जो भी सच्चे मन से दुख प्रकट करने आया था उनका शुक्रिया, पर जो सिर्फ ड्रामा करके झूठे आंसू बहा रहा था उनके टेंशन दूर हो गया है तो मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं सिंगल पसली आपके किसी काम का नहीं। आप प्राण हरते हो, आप खुद ही सिंगल हैंडेडली यम लोग संभाल सकते हो। मुझे अपने किए कराए पर बहुत प्रायश्चित है, इसलिए मैं आ रहा हूँ रंबा उर्वशी का पार धोनी। चित्रगुप्त, तुम अपनी गलतियों की सजा भुगते बिना यमलोक से बाहर कदम नहीं रख सकते। सजा? तुम सिर्फ मेरे चित्रगुप्त नहीं, पर मेरे बेटे के, उनके बेटे के और उनके भी बेटों के चित्रगुप्त बनकर इस नर्क लोक में कोलू के बैल बनकर हाथ ऊपर करके रस्सी पकड़ के चक्की पीसोगे। लाइफ लॉन्ग टेंशन विदाउट पेंशन। इस पौधे में फूल होगा। जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। चिल्ला रहे थे, मूर्ते को दफनाने गए थे, उठकर खड़ा हो गया। बेवकूफो, मैं इस मुँह से शराब और चरस पीता हूँ। हाँ, देखो मेरी वाणी से धोती भी नहीं उठेगी, तो अभी खुद ही सोचो कि मेरी वाणी से उस मुर्दे में जान कैसे आ गई। उन लोगों ने उसे मारा ही नहीं होगा। टोपे बास, तू तो खून करने गया था ना, या पीकर किसी लड़की के साथ यही कर रहा था, वो बच गया ना? सुमड़ी में खून करके आएगा कहा था ना, इसकी शक्ल देख के लगता है ये खून कर सकता है। कैश पेमेंट और वो भी एडवांस में लेते हो, तो कम से कम काम तो ठीक से किया करो। तू जैसे निकम्मे को तो कोठे पर मुजरा करना चाहिए। अगर ये सब भी आगे बोला तो एक एक के अंदर यहीं पे ये घुसा डालूंगा, समझे? अगर वो सचमुच जिंदा है तो मैं उसका सर धड़ से अलग करके तुम्हारे कदमों में जाकर डाल दूंगा। ये हैवान तो उसकी मौत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। वो होम मिनिस्टर वाकई इंसान है या भूत है? कौन है? गुड मॉर्निंग सर। जब मारी टोपी तुला सकाई सकाई का काम धंधा नहीं करे। गालियां दीजिए आप। तुझे नाना जी नाम क्या? अरे बहुत मराठी में इतनी सारी गालियां सर ने कहां से सर बोल दे रहे बाजू का। रुकिए मिस्टर होम मिनिस्टर। सर जल्दी आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। वापस जिंदा होने के बाद आपकी बॉडी और लैंग्वेज बदल गई है सर। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। गंदे पोज मत लो। पीपी। यस सर। एकच गोष्ट है, कुठे जायचे? ऑफिस। मन्ने ऑफिस जाना होगा। वंस मोर। वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब कौन है? हमारा पास परमिशन है, टेंशन ना। रुके रुके रुके, थामा थामा। हेलो। हेलो सर। काम हाउ गोइंग? एक्सीलेंट, सब ठीक है। पर इस पीपल को समझाइए। इनको पेपर यू शो फिर ही अपने घर को जाते। डॉक्यूमेंट्स वेर? लगता है सर आप कुछ रॉन्ग करने जा रहे हैं। माला माइती आई। भाई और बहनों, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होवे और इन पर मारी दस्तखत भी ओरिजिनल होवे तो आप हकन उड़ल का कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? मन ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर मन ने कहा कि मैं काही नहीं कर सकता। सर यू चीटिंग मी। फर्स्ट यू चीटिंग, सेकंड आई चीटिंग। मारो धोड़ालो बैंकॉक पटाया थाई मसाज। अब तो बिन लादेन जैसे थे, अचानक अन्ना हजारी कैसे बन गए? खुशी से आंसू निकल गए। तन्ने मरने का सा इमोशनल उसके नटबोल ढीले हो गए हैं। फैक्ट्री बांधने के लिए जो चाइनीज ग्रुप आया था उसे मारकर भगा दिया। ये मरकर जिंदा क्या हुआ हमारी मौत? पानी की ग्लास इधर आ, पानी की ग्लास इधर आ। हम सीरियस बात पर खोपड़ी खपा रहे हो, ये तुम्हारा क्या चल रहा है? पानी की ग्लास इधर आ, पानी की ग्लास इधर आ। पानी से पानी पूरी बनाओगे क्यों? तुम्हारी मनहूस जबान की वजह से। बेवकूफो, कितनी बार समझाया कि मेरी जुबान में कोई शक्ति नहीं है। अभी तुम दोनों को नमूना दिखाता हूँ। फाइल यहाँ आ, फाइल यहाँ आ। नहीं आई ना? अब देखो उस दरवाजे से होम मिनिस्टर आ, होम मिनिस्टर आ। आ गया,
बंडे लेटाने का प्लान बना रहे हो? हम क्यों लटाएंगे तुम्हें, हम तो पुराने यार है ना। थारे से तर्मी मजाक कर रहे उस बारे में तुमने क्या सोचा जो मैंने तुम्हें फोन पर कहा था? फोन पर क्या कहा था? प्यारे लफंगो, मन्ने सांगितलं होतं ना तुम्हाला की सारा काला पैसा गरीबों में बाटो। हम अपने मेहनत की कमाई फटीचरों में क्यों बाटे? काय बोलतोस, मेहनत की कमाई, ईंटें उठाई, रिक्शा चलाई, पत्थर फोड़े, कुलीगिरी की, चीटिंग करके पैसा कमाया। मन्ने तुम तीनों को एक विकट टाइम दे रही हो, वरना। वरना क्या? वरना मैं एक एक को चो 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 चौपाई पे सुला दूंगा। का बात है, जब से आया हूँ मारे पैर देख रहे हो? डाउट है कि मैं इंसान हूँ या शैतान? तुम जैसा सिंपल भूत सोच रहे हो, नीत असा नाही, शैतानों का गॉडफादर हूँ। खराब साला, अब क्या डर के मारे सारा वाली से दे दे। सारे के पर निकल आए हैं, उड़ने दो उड़ने दो उड़ने दो, काट डालूंगा एक दिन पर सारे के। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये एम्बुलेंस बिगड़ गई, मैं कोई गाड़ी रोकता हूँ, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, लेकिन मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। ऑटो ऑटो रोको रोको तो सही, रुक रुक थाम थाम थाम, कोई मदद नहीं कर रहा है, ये गाड़ी भी रुका रहा है पर कोई गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं है। लोचा का है, मेरी पत्नी पेट से पांचवा महीना चल रहा है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। हां हां ठीक है ठीक है, तू फिक्र मत कर, मेरी मदद कर रहा है। ए खर्चा पानी तू क्या अंकल, अगर आधा घंटा असेंबली देर से गए तो चलेगा? सर इंटरव्यू देंगे, मरने संभाल लूंगा, मरने हूँ ना, थोड़ा बहुत सुनना है सुन लूंगा, यहाँ थारे वजह से किसी की जान बच जाएगी। या या खाली या जल्दी जल्दी, आप ही इस गाड़ी में ले जाएंगे? अगर वो गाड़ी खराब हो गई तो माजी गाड़ी ज्यादा सेफ है, क्या बोलते अंकल? अरे जाओ टेंशन मत लो, मरने हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं, चलो चलो चलो। अरे पैर दुख जाएंगे। मैं शायद पहला रिपोर्टर हूँ, न्यूज़ दे रहा हूँ। लक्ष्मी, होम मिनिस्टर पीछे आ रहे हैं, वो और पीछे आ रहे हैं, वो एकदम करीब आ गए, इंटरव्यू देंगे। सुनिए एक तोड़ू फोड़ू ब्रेकिंग न्यूज है, होम मिनिस्टर के हाथों जर्नलिस्ट की लाइफ। ये क्या कह रहे हैं? मरने थारे को क्यों मारा जाना है? सर मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, लाइव कवरेज कर रहा हूँ। लाइव कवरेज करने के बजाय उसे वहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? बुड़बक, फोकट की न्यूज, डिश एंटीना माइक लगाने से क्या होगा, लोगों की मदद भी करना सीखो। घर तू जा। बेटा रविंदर, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, हमारी शादी? शादी? तुम्हारी शादी की इच्छा तो अधूरी रह गई रे राजा। अगर उसकी इच्छा अधूरी रह गई है तो वो जरूर भूत बनेगा, यही कहीं होगी उसकी आत्मा। अरे तूने इतने पाप किए हैं कि तू खटमलिया मच्छर का भी जन्म नहीं पाएगा, नरक में कीड़े की तरह रहेंगेगा। आंखें खोल, मैं आदमी बनकर फिर से आया हूँ। बोतल की कसम पी के कहता हूँ, तू भूत है, रूह है, आत्मा है ना? यकीन ना है? नहीं। राजा गजा, राजा गजा, राजा गजा, तू कुटे गेला होतास रे, बाद में स्टोरी बताता हूँ। श्वेता कहाँ है रे? अबे मुजरा बनकर, दो दिन से मेरा ऑर्केस्ट्रा बना रखा है, ऊपर से लोग मुझ पे चिल्लर उड़ा रहे, ये घर है या किसी नाचने वाले का कोठा? खैर तुमने इस ट्रेन की चेन तो खींची, थैंक्स। ए गुड़ के लड्डू, तेरी चेन खींची है, अब लूंगी खींचूंगा। ये कैसा है, एंड्रॉइड है क्या? मोबाइल नहीं, डांस चल कर। अरे गंजे, ये डांस नहीं पनिशमेंट है, इससे घुटनों में तकलीफ हो जाएगी, मेरा पाव नाच नाच के भारी हो गया, तो जिम्मेदार तुम हो। ब्रेक डांस करना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो तुझे ही ब्रेक कर देंगे। तुझे क्या लगता है, तू मुझे चाकू दिखाएगा और मैं उस पर डांस करने लगूंगा? मैं चाकू पे नहीं नाचूंगा, म्यूजिक पे नाचूंगा। तुम्हारे सितारे गर्दी में हैं, तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, इसलिए तुम्हारी बीवी पहले भाग गई और उसके बाद वापस आ गई। तुम्हारे सोए भाग्य को जगाने के लिए मैंने जाग दी के बोस जाग का हवन किया है, खर्चा सिर्फ 50,000 एक का है। लोचा हुआ तो 25 लाख वाला कुंभकर्ण हवन कर दो, इतना महंगा? सोए भाग को जगाने के लिए ये सिर्फ ट्रायल है, कोई जिंदा तो इसे नहीं रोक सकता और मुर्दे की मैं गारंटी नहीं लेता।
चलो तैयार हो जाओ श्वेता। काय महिला मंडल? हे श्वेता बेबी, पोरगी आई लव यू। सेम शॉक सेम राजा। पास आ जा। राजा का भूत आ गया। गंजे साथ ये भी बोल, वो श्वेता को भगा के लेके जा रहा है। भाई वो तो भाभी को भगा के लेके जा रहा है। एक मिनट, इसको बंद कर देता हूँ। यजमान लगता है तुम्हारा भाग्य सिर्फ नींद की गोली खाकर सोया है। ब्रेक 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 ब्रेक। इसे हाय कह दूं। पंडित जी कैसा का बरना? मेरी तो बोलती बंद हो गई। ये रोक चिकने। चल 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 लौटकर चल। गाड़ी चला तो गजा। उसने गाड़ी पकड़ ली। कहाँ मर गए सब? तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई बाबू। तुमने राजा को टपका दिया था ना, वो रिटर्न टिकट लेकर वापस आया और रॉकेट की तरह श्वेता को लेकर चला गया। झूठ बोल रहा तू। देवानंद जी, गुरु जी, जले पे नमक छिड़कना राग। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। हो गई तेरी बल्ले बल्ले। क्या रे, पीछे पैसेंजर बैठे ना, दिखता नहीं क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो तो इसी जूते से मार। मिला क्या वो? भाई अपुन से कोई बच पाया है क्या? तुम चाहे साड़ी दो दो गिफ्ट रेडी आए। पहला गिफ्ट भाभी, दूसरा गिफ्ट भाभी का बॉयफ्रेंड। एक्वेरियम की फिश की तरह कोमल थे, बिना बाल की खाल वाले टाइगर कैसे बन गए? टकलू मेरी लास्ट विश पूरी करेगा? हाँ बोल। मुझे एक बार सीटी बजानी है। कुछ और तो नहीं बजाएगा ना? सीटी बजाएगा ना? बजा बजा। वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उड़ गई। हा? उड़ गई वो? तो फिर खुशी के मारे सीटियां क्यों बजा रहे हो? सीटी बजाने से हेलीकॉप्टर आता है भाई। हम तो बोलते हैं आप भी बजाओ। देखता हूँ कहाँ तक जाता है। आसमान फाड़ कर ले आऊंगा उसे। जोर का झटका कितना जोर से लगा। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, कमांडोस कहाँ से आया, मैं मरकर जिंदा कैसे हुआ, यही सोच रहे हो ना तुम दोनों? तो बात यह है कि मैं दरअसल बात यह है, ये गुप्त यमराज है, अगर बताना भी चाहो तो क्लैरिटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। यमराज तुमने जवाब नहीं दिया। मैं हरियाणा स्टेट का होम मिनिस्टर हूँ। हाँ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनना इतना आसान है क्या? मुझे तो डाउट हो रहा है। हेलीकॉप्टर ड्राइवर सर, रिवर्स लेना, मैडम को वापस छोड़ना है। ओके सर। विलन मंडली के पास। प्लीज ऐसा मत करो। और क्या, इतने दिनों बाद मिली हो, झप्पी दो, पपी लो, सीबीआई की तरह तहकीकात कर रहे हो तुम लोग। अरे तेरी झप्पी नहीं चाहिए इसकी। राजा राजा। राजा हाँ, हम इस घर में रहने वाले हैं। हम नहीं, फक्त तू। मैं समझी नहीं। इस वक्त नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मैं इस घर में अकेले। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ आप यहाँ कैसे आई?
तुम्हें यहाँ शिफ्ट करने से पहले तुम्हारी माँ को मैंने लिफ्ट दी। क्या बोल सकता है ना उड़ा, इसको फिर से झटका लग गया। एक चल रहे लौकर गजा नहीं की चंडा एक चल रहे। इसके साथ मारे को पुराना हिसाब चुकता करना है तो आप सब घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। सर, आ रहा हूँ मिनिस्टर हूँ मैं। अपनी आंखें झपका कर फिर खोलूं तब तक मुझे तुम में से यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। कल्टे आजा। शाबाश, तुम मौत को भी टक्कर देकर जिंदा वापस आ गए। तुमने मौत का अकेले सामना करने की हिम्मत है। मैं तुम्हारा जबरदस्त फैन हूँ, पर इस बार तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता। अपने फोन ऑन रखो, अपनी पत्नी बच्चे लवर रखेल कोठे वाली से लास्ट टाइम बात कर लो, क्योंकि मरने से पहले तुम्हें सिर्फ दो चीजें याद रहने वाली है, एक तो मेरा फेस और दूसरा मेरा पंच। भाई मुक्का दिखाया सनी जैसा और भागा बिल्कुल फनी जैसा। अबे रुक मत, अरे क्या हुआ, तुम्हारी हवा क्यों निकल गई? क्योंकि वहाँ हवा चल रही है। मुझे कब्रिस्तान भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, आज भी मेरी पैंट गीली हो जाती है। मेरी तो पतलून गीली हो गई। डिनर के बाद स्वीट डिश खाऊंगा, आजा। कब्र में चलेगा, पेड़ पे लटकेगा, आज भूतों से मुलाकात कर ले, आजा। तू कहाँ जा रहे? 2 बजे के बाद शमशान के भूत वॉक पर निकलते हैं, मैं जा रहा हूँ। चल, चल अंदर, तुम लोग भी आओ। रक्षक कर प्रभु। साले ऊपर ही तो भूत बैठा है। थैंक यू, बाय। हट, भूतों से डरता है? अरे जब मैं फ्री किक लेता था गोलकीपर भूत स्टेडियम के बाहर खड़ा हो जाता था। एक बार वन भूत ट्राई टू टच माय चिक, मैंने उसे खोपड़ी को बना के फुटबॉल मारी एक जोरदार। कोयले की खान। हाँ बोलना। ये फुटबॉल चलेगा? कौन सा फुटबॉल चलेगा? जाने मारे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ ना, थोड़ा और पास। तू भी यहाँ क्या कर रहे हो? जवानी में मेरे कदम बहक गए और मैं रास्ता भटक गई हूँ। करेक्टर ढीला लगता है। हट, मुझे रास्ता बताओ, अपना रास्ता मुझे क्लियर करो। रास्ता तो मेरे दिल में जाता है। क्या फिगर है, मेरी भी सेटिंग करा दे। ए, मेरा भी नंबर लगा देना। ये मेरी है। ए, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ करता हूँ। ये सिर्फ मेरी है। मेरी भी है। नहीं, मेरी है। मेरी भी है। तेज धारी, बीच में एक अबला नारी। अब तो ये मेरी है। नरसिम्हा, हवस की आग में तुम भूल चुके हो कि चाकू घुस चुका है। मिसेस नर्क टूर गाइड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे वापस ले लें। ए, तेरा पासपोर्ट आ गया है। एक ऑफ का टाइम हो चुका है तेरा। इस पासी की अच्छी धुलाई करना ऊपर। हमारा टास्क पूरा हुआ। हम नर्क लोग जा रहे हैं। यमराज की जय हो। यमराज को मेरा हाय कहना। काम हुआ? आप जिसे कॉल कर रहे हैं वो बादलों से यमलोक ट्रैवल कर रहा है। ये कस्टमर हमेशा के लिए संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है। कौन है? तारे को बुरे काम बंद करने का तुम्हारी सांसें बंद करने चला। अब तक तो सिर्फ मरने बैठे बैठे तमाशा देख रहा था, अब देखना मैं कैसे तुम सबकी बैंड बजाता हूँ। We'll be right back.
हेलो, मैं इनकम टैक्स ऑफिस से पारस बोल रहा हूँ सर। हाँ पारस, बोलो। आपके घर में एक घंटे में रेड पड़ने वाली है। क्या? अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। सारा कैश, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट सब कुछ जल्दी से जल्दी छुपा दो। कहाँ गए रबो? मैं क्या? क्या रहो? जल्दी से बांसुरी बजाओ, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बजाओ। ये माल गाड़ी में रख दो और शहर का चक्कर काटते रहो। अब जाओ, मेरे फोन करने से पहले लौटना मत। हाँ जल्दी बोलो पारस। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेड कैंसिल हो गई है सर। कैंसिल हो गई? सर सुनो, रेड कैंसिल हो गई है, घर वापस आ जाओ। ओके सर। हाँ पारस, बोलो बोलो। रेड पड़ेगी सर, कंफर्म। ये क्या? पर तुमने तो कहा था नहीं होगी। इसमें मैं क्या करूं सर, इस बार न्यूज कंफर्म है सर। सर सुनो, रेड होने वाली है, तुम चक्कर काटते रहो, कहीं भी रुकना मत। सर मैं पारस। अब क्या रेड फिर से कैंसिल हो गई? सुबह से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैंने कब फोन किया? सुबह से पहली बार फोन कर रहा हूँ। मतलब रविंदर? ओह नो, मेरा पैसा, प्रॉपर्टी। सर ए, मेरा पैसा सेफ है ना? एकदम सेफ है सर। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। सर, सर चिल्ला क्यों रहे हो? चक्कर काटने कहा था ना, वो इंसान नहीं, उन्हें फूकने प्यास नहीं लगती। रखा था। वापस दे दे। माजी इतनी खराब की। वातो। जैकेट फटने का इंतजार करेगा। बोलो। इसे बंद कर, इन लॉकर। मेरे लंगोटिया यार, जिगर के टुकड़े को धीरे-धीरे मार खा, मैं नहीं देख सकता। सुनो, कुछ लोग मारेंगे तो चलेगा, इतने लोग मारेंगे तो मरने से देखा नहीं जाएगा। मैंने एक विलन को तो जेल भेज दिया, दूसरे को भी नहीं छोड़ूंगा। डोका फोड़ूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। मार डाल उन्हें, तोड़ डाल, फोड़ डाल, खलास कर दे सालों को, फिर उसके बाद क्या? जन्मदार, मैं नवरा बन के शादी करूंगा, पूरा शहर नाचेगा शादी में। अरे हमारे लिए कौन नाचेगा, हम तो आना। एक हजार, ऐसा मत बोल, मत बोल ऐसा। हम अनाथ नहीं है रे। ओके। आपली पण आई है। अम्मा कुठे? मैं आई से मिल कर आता हूँ, तू इधर ही रुक। नमस्ते सर। नमस्ते। आप हमारे आश्रम में? मिसेस पार्वती यही रहती है। हाँ सर, पर वो आपकी क्या लगती है? माई है हमारी। आपकी माँ? हाँ। उन्होंने कभी कहा नहीं, अंदर आइए। मिसेस पार्वती नमस्ते। नमस्ते। आपका बेटा आया है। हमारे साथ घर चलिए। माई यकीन करो, माई मैं थारा पुराना बेटा नहीं, बदल चुका हूँ माई, प्लीज हमारे साथ घर चल माई। थारे को कैसे यकीन दिलाऊं माई? कहाँ करूँ, क्या हुआ? बात ही नहीं की। काय को? पता है माई ने आने से मना क्यों किया? क्यों किया? माई के यहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स हुए हैं। जब बच्चों को स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जावे हैं तो फिर वो घर वापस आने के लिए नखरे करें। इकड़े पर हाथ प्रॉब्लम है। अगर माई की सारी फ्रेंड्स को भी घर भेज देवे हैं तो माई हमारे साथ घर आवे। पर क्या ये पॉसिबल है? नथिंग इज मुश्किल फॉर हमारे लिए। सर, सर आप पुरुष नहीं, माँ पुरुष हो। एक्सप्रेशन बदल ले। बजट कोई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकता है? आजकल के बेटे बीवी की गोद में लेटे मूवी, पिकनिक, होटल, पब सब एंजॉय कर रहे हैं। एक एक को पकड़ कर कॉलर से खींच कर यहाँ ले। बोलो कैसा लगा?
तुम होम मिनिस्टर हो तो तुम कुछ भी करोगे? आप जवाब देने का क्या लेंगे सर? इसे कुछ पूछ रहे हैं और ये नींबू बटवा रहा है। चल गई क्या जो हाथ पे नींबू दिया? जवाब हाथ पैर सलामत हुए फिर भी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम काहे भेजा? ऐसा इसमें गलत क्या है? महीने की पहली तारीख को हम उन्हें 10,000 रुपया भेज देते हैं और उन्हें क्या चाहिए? एक बात और बता दूँ, हम उन्हें रोज फोन करते हैं, अब बताओ हम उन्हें कौन सी तकलीफ देते हैं? अरे पिए इन सबको इधर कचला फुकट अंडर। इनका कहना है घर के बजाय आश्रम में ही उन्हें सारी सुविधा मिलती है। सर हमने तो अपना क्लियर कर दिया, अब आप ये क्लियर कीजिए कि हमें ये नींबू क्यों दिया है? आप सब अपने माँ बाप की अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो मन ने सोचा कि आपका मनोरंजन करूं। क्या आइडिया सर, हम सब तैयार बैठे। अतः अपन सगे इकड़े मिलून एक गेम खेलने वाले हैं। गेम का नाम है माई बापू और नींबू। चलिए गेम स्टार्ट कीजिए, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। नींबू को हाथ में पकड़े रखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे सर पे रखो। रख दिया। कर लिया। तुम लोगों को गोली लगे बिना मरने नींबू उड़ाऊंगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि मिनिस्टर साहब को बंदूक चलाना नहीं आता, पहली बार चला रहे हैं। पकड़ पकड़ खींच के पकड़, पकड़ 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 खींच के पकड़, देखो ना कर हैया पकड़ा गया है चोर भागे ना भैया। मंत्री जी, मंत्री जी, मैं आज जल्दी घर नहीं गया तो मेरी बीबी मेरा मुरब्बा बना देगी। अरे सारे आमी वेड़ा वटो का, इतने लोग गेम खेल रहे हैं ना, चीटिंग क्यों कर रहा है? चला लाइन में। डिस्काउंट डिस्काउंट। क्यों रे, जिंदगी जब खतरे में पड़ती है तो माई बाबूजी चिल्लाते हो ना, बीवी बच्चा चिल्लाते हो? नहीं। थारे को कुछ कहना? मैं अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। उस माँ ने तुम्हें जन्म देते वक्त कितनी तकलीफ सही होगी ये कभी भूलना मत। अब से घर में मास्टर बेडरूम ना होवे, मदर्स बेडरूम और फादर्स बेडरूम विद अटैच बाथरूम होवे। ओके सर। मेरी पाठशाला में क्या क्या सीखा? माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, माँ बाप को कभी रुलाना नहीं। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ, जल्दी 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 चलो चलो। अरे ने देखा सब कैसे हैप्पी हैप्पी अपने घर गए, तू भी हैप्पी हैप्पी अपने घर चल। तुम चलोगे या नहीं? देखो मरने धरा पैर पकड़ता हूँ माई, अगर दोबारा गलती की तो जो सजा दोगी मरने मंजूर होगी। प्लीज घर चलो ना माई, प्लीज मान जाना माई, काहे तड़पावे। पहले माई का रूम साफ करो। रिवर्स गियर में डालो आंसू, रिवर्स गियर में। आई ग मंडे, या तुझे रुलाने के लिए थोड़ी लाया हूँ, खुशियाँ देने के लिए लाया हूँ। मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बदल जाओगे, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाई ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। पिताजी का सपना, शादी, पोता पोती देखने है ना, उनकी शादी अभी तुम ही कराओगी। ए गजा बोलना रे, ये तेरी इच्छा है कि मां की? पंकज कौन है वो? मारो बचपन को दोस्त है माँ। बचपन का दोस्त? अरे गजा मैंने मंत्रालय जाना है, माँ तुम आराम करो, काकी माँ को ले जाओ। पर मंत्रालय में कोई काम नहीं है। चुपचाप चल चश्मीश। शहर का हर कोना हर गली छान मारेंगे, उन्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, श्वेता को अपना बना के रहूंगा। अब तू क्या सोच रहा है? उसने कहाँ से सीटी बजाई जो हेलीकॉप्टर आ गया? चुप। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम एक घंटा लेट क्यों आए? क्योंकि मैं रास्ते में भजिया तल रहा था। अरे होम मिनिस्टर हूँ, लेट क्यों आए एक घंटे तुम? भाई भूल जाओ, मिलेगा इच नहीं, हमारी तरह सड़क छाप थोड़ी जो सड़कों पे घूमेगा, उसके पास तो खुद का हेलीकॉप्टर है। वो इतने झटके काहे को दे रहा है, जरूर पैस का प्रॉब्लम है। रोड तो काफी अच्छा है राजा, तो तुम बार बार ब्रेक क्यों लगा रहे हो? इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे साथ बाइक पर क्यों आया हूँ? क्यों? दबाने, ब्रेक। भाई ये क्लच का प्रॉब्लम नहीं है, ये टच का प्रॉब्लम है। पुलिस वाले से बहस करेगा तो रेट डबल कर दूंगा। चल रुक 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 रुक, ये बोला ना रुको। चल पॉकेट में हाथ डाल, लाइसेंस निकाल।
क्या लाइसेंस नहीं है? 10,000 निकाल। लाइसेंस फेंका, पैसा किस बात का? चोरी और सीना चोरी। ये आइटम कौन है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके साथ क्या करने वाला? पूछा मैंने क्या? अब पूछूं या निकालता है माल? चल जल्दी कर दो। अरे अकेले को 10,000 काय को दूं? पूरा का पूरा मेरे अकेले के लिए थोड़ी है। होम मिनिस्टर का भी तो 50% है, वो भी कट ले हुए है। और नहीं तो क्या, वो पहले सुबह रिश्वत खाता है, उसके बाद सुबह की चाय। चल दिमाग मत खराब कर, पैसे निकाल। ये तो सिर्फ 5,000 है। 50% होम मिनिस्टर का कट है ना, तो मंडे रख लिया। मतलब तू होम मिनिस्टर है? सर ये पुलिस वाले को टोपी बना रहा है, कौन सा एंगल से ये होम मिनिस्टर लगता है? क्या हुआ सर? मेरे नाम का भाजी पाला कर रहे हो? सालों सुबह से कितना बाल अंदर किया? 5,000 आपके, 5,000 उसके सवाल को दे देता हूँ, घर जाने दो, बीवी इंतजार कर रही है। और थारे थारे जैसे लोग इन्हें रिश्वत देते हैं तो इनका पेट भरता है। और कोई चारा नहीं है सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, रोज कुआं खोदता हूँ और पानी पीता हूँ। मेरे पास इनकी शिकायत के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रिश्वत लेने से इनकार करते हैं। इस देश में आबादी से कहीं ज्यादा करप्शन है, आखिर कब खत्म होगा ये करप्शन? सर मैं आपका फैन हूँ। सर मैं आपके साथ फोटो खींचूं? तेरे इस कैमरे की वजह से माला आइडिया ली, सारी बातें भेजे में घुसी, मंडे करप्शन खत्म करूंगा। हल्ला सर, हमने सुना है कि आप करप्शन खत्म करने के लिए नई तकनीक अपना रहे हैं। सही कहा, इसका स्लोगन होगा MMS भेजो गिफ्ट ले जाओ। टीवी शो कैसा लगे है सर? सही जवाब, पर ये कोई टीवी शो ना हुए, गवर्नमेंट शो हुए। मैं जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आज तक आपने खामोशी से अत्याचार सहे हैं, पर अब से अपनी आंखों से नहीं कैमरे की आंखों से काम लो। अगर आंखों के सामने कोई भी अत्याचार देखो तो उसे सेल फोन पर रिकॉर्ड करो, 6888888111 पर MMS करो। हमारा स्क्वाड वहाँ 10 मिनट में पहुँच कर एक्शन लेगा और आपको 5,000 रुपए गिफ्ट में देगा। अब से पावर पॉलिटिशियन के हाथों में ना होवे, प्रजा के हाथों में होवे। मेरा लोन 6 महीने पहले पास हो गया था सर, अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उससे STD बूथ खोल पाऊंगा सर। अगर तुम 10,000 दोगे तो मैं पत्नी के लिए अंगूठी खरीदूंगा। मैं आपको पैसे क्यों दूं? ये अन्याय है सर। अन्याय? तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे? अच्छा बताओ, तुम्हारे पास अपाहिज होने का क्या सबूत है? बेटा MRO से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट लाओ, फिर सबको जमा करके पोस्ट ऑफिस से भेज देना। अगर वो कागज मुझे मिल गए तो मैं उसे फाड़ कर फेंक दूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। यहाँ वक्त खोटी मत करो, जाके किसी मंदिर के सीढ़ियों पे भीख मांगो और एक कटोरा भी ले लेना ताकि कुछ ज्यादा मिल जाए। रो क्यों रहे बेटा? सोचा था इज्जत की जिंदगी जीऊंगा साहब, पर वो कहता है मैं मंदिर में भीख मांगू, मैं जीना नहीं चाहता। उदास मत हो बेटा, मैं मर जाऊंगा साहब। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे मैंने शूट कर लिया है, अपने हाथों से ही बदल। पैसों के लिए बेचते
ये नोटिस क्यों दिया? हम इतनी कम फीस ले क्या? गरीबों के लिए 30% फ्री एजुकेशन है। अगर ऐसा हुआ तो हम तो लूट जाएंगे। अगर तुम लाखों में फीस लोगे तो गरीब मिडिल क्लास के बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमें तो पैसों से मतलब है। पैसों से हमें गरीबों से कोई मतलब नहीं सर। लाखों रुपए से स्कूल बनाते हो, करोड़ों में कमाते हो, पर 10 गरीब बच्चों को पढ़ाया तो कंगाल हो जाओगे। गजा इसकी बात में मन दम लगे हैं। अच्छा ठीक है, रुके 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 रुके, बैठिए बैठिए बैठिए। आप इतनी दूर से आवे हैं तो एक गेम हो ही जावे हैं। नींबू से कौन सा गेम खेलेंगे सर? टीचर, स्टूडेंट और नींबू। वाओ, टाइटल बहुत आसुर है। गेम उससे विद हासुर। सर, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे सर। हम इस नींबू का फुटबॉल बनाए क्या? हम यहाँ गेम खेले हैं? मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, तुम खाम-खाम उस पर शक कर रहे हो। मैं रिजाइन देता हूँ। चलेगा, चिल्ला मत, ये ले पेन और पेपर। अभी नहीं करना है तो बोलता क्यों है? बैठ जा। तुम मिनिस्टर्स की हवा में बातें होती है, 5 साल बाद दिखते हो। MMS भेजो और गिफ्ट ले जाओ, लाखों रुपए लोगों में बांट रहे हो, कहाँ से आते हैं? 1000 करोड़ों के घोटालों में नेता फंसे हैं, वो पैसा कहाँ से आवे हैं? माना कि हम 550 करोड़ रुपया लोगों को गिफ्ट देवे हैं, पर घूसखोरी का कितना काला पैसा हम एक ही छापे से पकड़े हैं। थारे पति की इलीगल फैक्ट्री बंद करवा के भी मैडम हमें वहाँ से 10 करोड़ मिला है। देखिए अंकल, मुझे किसी डिपार्टमेंट की परवाह ना होए, जो भी झोल करेगा उसे चूहे के होल में डाल दूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम असेल तुम्हारा सस्पेंड करा काका। मंडली, तुम लोगों को मेरा भाषण अच्छा लगा हो तुम्हारा साथ दिया और इस तरह से सोना बंद करा। अगर आज के बाद कोई भी मंडे रास्ते के बीच में आला तरमी त्याला फो, 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 अरुण डाकनार। मुझे तेरे लोगों को सीधा करना, ये तो तुम लोगों ने आज तक जो कुछ किया वो देखकर भी मैं चुप रहा। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आज भी मैं चुप रहूंगा। ये क्या कर रहे? अगर ज्यादा चिल्लाए तो मैं अपनी सीट भी उसे दे दूंगा, फिर बाद में मुझसे कुछ ना कहना। तो वो हमारे सर पर नींबू रखता है और हमारे साथ गेम खेलता है। नींबू नींबू। मेरे पिताजी मोची थे, मैं भी मोची हूँ, पर मेरा बेटा मोची नहीं होगा। जानते हो क्यों? ये जो स्कूल दिख रहा ना, इसी में पढ़ता है वो। होम मिनिस्टर जिंदाबाद। 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 यहाँ बताओ, काश किराया यहाँ पर, बताओ यहाँ बताओ। नमस्ते बलराम भाई। नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ मुंबई हार्बर हरियाणा कैसे आना हुआ? मुंबई में मैंने आपकी बहुत मदद की थी, पहली बार आपसे मदद मांगने आया। काम बोलो जल्दी। मैं हरियाणा किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या मालूम किधर गायब हो गया। ये उसकी फोटो। हेलो। अरे ताऊ, मैं शांताराम बोल रहा हूँ। यहाँ जेल में मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, बेल करवाता हूँ। उस रविंदर को कानो कान खबर नहीं होगी, देखना तुम। थैंक यू सो मच। अगर थारे को भी जेल में बंद करो तो थारी बेल कौन करवाएगा ताऊ? ए, रविंदर, अगर मेरे हाथ लगाना तो मैं तुझे। भाई लगता है इनकी सटक के लिए, हम यहाँ रहे तो हमारी भी सटक जाएगी, इसलिए हम भी सटकते हैं। कल की ताजा खबर, तिहाड़ जेल में पॉलिटिकल सुपरस्टार ताऊ होंगे जो जेल में पत्थर तोड़ेंगे। अरे ये पॉलिटिकल सुपरस्टार बलराम कल सुबह से लेकर रात तक युगांडा से आए हुए फॉरेन मिनिस्टर के साथ होगा। वह फुल टाइट सिक्योरिटी है। अगर तुम मर्द हो, तुम में जिगर है, तो मुझे अरेस्ट करके दिखा। गुड बाय। कांच का टुकड़ा पैर में घुस गया। क्या हुआ ताऊ बेटा? उस रविंदर ने कहा है कि वो कल शाम तक मुझे जेल भिजवाएगा। साला नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन उसकी गाड़ी में बम रख कर उड़ा दूंगा मैं उसे ऊपर ही। ये क्या कर रहे हो? मेरा MMS बना के भेजोगे उसे? 5000 रुपए? नहीं बेटा, मैं उसी की MMS स्कीम से उसे जेल भेजूंगा। तुम कल कॉन्फ्रेंस जाना। ठीक है। सोना। नमस्कार मिनिस्टर साहब। हाय जानू। हाय। मंडे इनसे प्राइवेट डिस्कशन करना है। सर को प्राइवेट डिस्कशन करना है, आप सब बाहर निकलिए। तू भी निकल। डिस्कशन नाजुक। एक्सप्रेशन बदल ले।
एक्सक्यूज मी सर, हमारी महिला अध्यक्ष आपसे कुछ प्राइवेट डिस्कस करना चाहती है। आपसे बैठ जाओ। तो क्या हुआ? अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब प्राइवेट डिस्कशन यही होगा। नमस्कार मिनिस्टर साहब, पिछले डिस्कशन के बाद काफी लंबा गैप हो गया ना? हम सारे गैप कवर कर लेंगे, सब बड़े जोश में हैं। हम साथ में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। नहीं सर, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, इन चीजों में तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा ना? हाँ, डिस्कशन में मेरी पोजीशन कहाँ होगी? तुम हर पॉइंट पर मारो साथ दोगे, नीचे से ऊपर बढ़ना चाहते हो ना? सर, हाँ? मुझे भी एक्सपीरियंस चाहिए सर, मैं भी आता हूँ। सगड़े तैयार है ना? पूरे जोश के साथ। डिस्कशन के क्यों चली? पूरे जोश के साथ। मतलब पूरे जोश के साथ। सोना, तुम्हारा काम हो गया? अगर मैं हाँ कहती तो पूरा कैबिनेट टूट पड़ता मुझ पर। तो हाँ क्यों नहीं किया? नया एक्सपीरियंस मिल जाता। स्वामी जी। सोना बेबी, मैंने तो मजाक कर रहा था, डिस्कशन की जगह फिक्स करो ना। वहीं चलते हैं जिस गेस्ट हाउस में जाया करती थी। हेलो, हेलो, दिस इज माय वाइफ, सिंगल वाइफ। सिंगल वाइफ, नमस्ते। प्लीज कम, प्लीज कम। वाओ, it's amazing, beautiful. You want to see directly? Yes. More beautiful. Come. Good camera, beta. ठीक है. हाँ बस. Superb. रविंद्र बेटा, सोना, आज तू यहीं पर सोना। ये कैमरा तेरा वीडियो लेगा स्लीपिंग और तू जेल में चक्की पीसिंग। हेलो, बोलो बोलो, कहाँ तक बात बढ़ी? वो सोना के साथ चला गया है, अब किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज? सर सर, वो आ रहे हैं। तू रिकॉर्ड करना शुरू कर, चल चल जल्दी कर। हरी प्यास बाद में बुझाना, पहले बत्ती बुझाओ। रहने दीजिए ना, लाइट ऑन तो यू फुल ऑन। नहीं, आजकल जब लाइट ऑफ हुए है मैं डबल ऑन हो जाता हूँ। इसका कैरेक्टर ढीला नहीं, कड़क। एक मिनट, मुझे नरम नरम को चुभ रहा है। ओ जलेबी, रस टपकने से सारे कपड़े चिपचिपे हो गए हैं। मैं धो आता हूँ। जल्दी आना, ये कुछ कर नहीं पाएगी, मैं ही करवा के आता हूँ। इतनी देर लगाते हो, जल्दी आओ ना। आगे चलो। क्या कर रही हो? कंट्रोल करो ना, जो उसके साथ करना है वो तो कर ही नहीं रही हो। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना। तुम उसे बहकाओ ना। देखो यहाँ पर एक कैमरा है, तुम्हें बस इस तरह करना है। और यहाँ पर दूसरा कैमरा है, देखो देखो देखो, तुम्हें बस ऐसा करना है। और यहाँ पर तीसरा कैमरा है, ऐसे लटाना और अपने हाथ से उसका सहलाना चेहरा। और जाने से पहले मुझे भी देके जाना, दक्षिणा। ये क्या है? इसने चेहरे पर टॉवल को रखा है। नको नको, मन्ने शर्म आ रही है। अरे यार, ऐसे में तो वीडियो ले सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। कहाँ? दूसरे कैमरे के पास ले गए, टॉप एंगल से उसके सारे राज खुल जाएंगे। तीसरे कैमरे के पास ले गई, लो एंगल से इसका वीडियो ले लो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? साला कितनी बार डायलॉग जाता है, लगता है मूड ही नहीं बन रहा है। क्या कर रही हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा? कैमरा में उसकी शक्ल दिखाना, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो कैमरा ऐसे फेस करो, समझी? बाबा सोना, अभी मुझे बहकाओ मत, सेकंड शिफ्ट में मेरे साथ सोना। ए सोना, सुपर रविंद्र, तुम तो गए। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? ढिंक जी का। ये क्या है? रविंद्र की रात लीला, फिल्म बाय पवित्र आनंद स्वामी। मंडे दे तो इसे। थोड़ी दूंगा। सही वक्त पर आए वरना मैं लुट जाती। उमर बच्चा। बाबा जी, मंडे वो सीढ़ी दे। बाबा जी, कौन आया? बाबा जी, न्यूज़ चैनल वाले आ गए। अब मैं उन्हें तुम्हारा वीडियो दिखाऊंगा और तुम्हारी बाबा जी नहीं। पवित्र स्वामी की अपवित्र रासलीला, अ फिल्म बाय रविंद्र, ब्लॉकबस्टर। मिनिस्टर साहब, सही वक्त पर आए वरना मैं लुट जाती। ये क्या डबल क्रॉस? तुमने ये सब कैसे किया? सिर्फ कैमरा लगाने से और एक्शन कट बोलने से कुछ नहीं हुए है, तुम्हें देखना चाहिए था शूट कौन कर रहा है। गजा अंदर आजा। ये तुम्हारा आदमी है? और ये आवाज कैसी है? वाले शायद ब्रेकिंग न्यूज के लिए दरवाजा ब्रेक कर। सीढ़ी दे दूं? नहीं बेटा, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, सीढ़ी वापस दे दो। अपनी सारी जायदाद मरने दे दो। 50% दे दी। 50% ही दोगे? ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं मैं सारी दे दूंगा, सीढ़ी वापस दे दो। Oh,
सभी मीडिया के भाइयों बहनों, सभी ने खाना तो खाया ना? हाँ, खाया। वो क्या है ना, मैं पवित्र नंद स्वामी, मेरा मन बहुत पवित्र और दयालु है। वो तो पूरा देश देख रहा है स्वामी जी। क्या कहा? आपकी रासलीला बाबा। रासलीला? ये नहीं हो सकता, मेरी सीडी तो मेरे पास है। स्वामी जी, थारे को मालूम ना है आजकल पायरेटेड सीडीज का भी जमाना है। ए, ये सारा गेम तेरा ही है। गेम तो तेरा था, मरने तो नो बॉल पे सिक्स मारा है। पुलिस सर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, होम मिनिस्टर अरेस्ट हो गया। स्वामी जी अरेस्ट हुए। सर सर सर, फॉरेन मिनिस्टर की पत्नी गायब हो गई। गायब? योर वाइफ इज मिसिंग सर। किधर कोता? माय सिंगल वाइफ, माय अलोन पत्नी, किधर कोया तू? शी विल बी ओके, डोंट वरी। मेरे पत्नी को साथ करो। कहां गई होगी भैंस? हेलो सर, आपके कहने पर मैंने मिनिस्टर की पत्नी को बड़ी मुश्किल से किडनैप किया। मैंने ऐसा कहा। सर, आप रिबन काटेंगे या हम दुकान लगाए हैं, बोलिए ना। मैं किडनैप? नो किडनैप, नो टेकिंग स्नैप। अरे कुछ भी मत बोल रहे, डोंट वरी, योर सिंगल वाइफ शुड बी सेफ। वापस आएगा सर। We searched everywhere. She's not here, sir. You checked downstairs? Yes, sir. Upstairs? Yes, sir. Hotel का bathroom भी? आपने कुछ कहे बगैर फोन क्यों रख दिया सर? क्यों किडनैप करवाया? Hey, कौन है बे? मेरा फ्रेंड पर्सनल कॉलेज से मी। करो तुम? फोन क्यों कर रहा है तू? ऐसी घटिया एक्टिंग क्यों कर रहे हो सर? मैं एक्टिंग क्यों करूंगा? मैं सर, आपने ही बोला कि हम मिनिस्टर की पत्नी को किडनैप करेंगे तो माला माल हो जाएंगे। नहीं, सब झूठ है। My wife. He kidnapped your wife. You kidnapped my wife? मेरा अलोन वाइफ? क्यों? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। Bring my wife. Stop. मेरे फ्रेंड को क्यों मारती? मेरे हीरे, मेरे फ्रेंड, मेरे डार्लिंग। तुम इसे क्यों किल करना चाहती? तुम्हारा फ्रेंड मेरे वाइफ का चुप्पा है। No worry, state problem, wife pack, no single, you double, two car going, officer, later. मेरा अलोन पत्नी। कहाँ है इसकी वाइफ? बोल। नहीं सर, he is kidnapper, he is fraud. He is kidnapper, he is fraud, he is fraud, he is great. काले गोरिला, you no trouble, you go back. मल्टीस्टेट ऑफिसर। नाम राजू रस्तोगी, मैं क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ा देता हूँ। मेरा नाम इलेक्ट्रिक सिंह, मैं क्रिमिनल इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट। इसकी तो मैं इंक्वायरी लूंगा। पहले मैं इंक्वायरी लूंगा। वेट 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 वेट, नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन धांसू है रे। तुम नॉर्थ पार्ट संभालो, तुम साउथ पार्ट। साउथ पार्ट? मेरे माउथ में जो बात थी वही बोल दिए। अब मैं मसाज करूंगा, हाथ का जादू दिखाएंगे। चाहे जितना टॉर्चर करो, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। प्लान बी। ये लोहे की सरिया, इसके पढ़ते ही लोग सच उगल देते हैं। और ये सबक सिखाने वाला स्टिक, जब ये पढ़ती है तो स्टिकर जैसी जबान खुल जाती है। मैं उससे इसकी पटाई करूंगा। आज तो दिखाऊंगा, चारों ओर दिखाऊंगा, आज से मौका मिले मौके को आजमाऊंगा। ओए सच बोलते हैं, मुझ पर इतने जुल्म मत करो। है? मैं जहाँ तुम कहोगे वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ। साइन कर, साइन कर। अफ्रीकन बंधु, इसने अपना मुंह खोल दिया। हरी भाई 5 मिनट में कमिंग। यू नो मोर सिंगर। आजा बलराम, बलराम का पिछवाड़ा घायल हो गया। सुबह पता चलेगा। श्वेता कुठे आज का? कौन है? तुम्हारी माँ हूँ बेटी। अंदर आ जाओ ना माँ, जरा साबुन लगा दो। ये लो साबुन। पकड़ो। माँ, राजा मुझसे आजकल कम प्यार करने लगा है। नहीं बेटा, तेरा वहम है। नहीं माँ, पहले वो 24 घंटे मेरे ही साथ रहता था। यहाँ आने के बाद वो हमेशा दूसरों के साथ घूमता है। मेरे लिए कोई दूसरा लड़का देखो ना माँ। ये क्या बोल रही है मुर्गी? लड़की की एक ही पीठ, एक ही दिल, एक ही पति होता है, उससे लंबा लड़ना चला गया। वो आवाज बदल कर लड़कियों के बाथरूम में भी जाता है, उनकी पीठ पे साबुन लगाता है, और तुम कहती हो वो अच्छा है। तो तुम चाहती हो कि मैं वापस बाहर जाऊं? इतना अच्छा मौका मैं कसम का ही सोड़ ना रग। पप्पी देना को, पोर की पप्पी देना को। कैदी बेटा, आर यू ऑल रेडी? रेडी। यहाँ भी शुरू हो गया? तो क्या हो गया? ए यहाँ बैठे बैठे ढिंक चिका ढिंक करता रहे। हम दोनों को तो बेल मिल गया है, हम जा रहे हैं।
भाई अपुन की बहन बहराम बाग में रहती है, श्वेता से डबल साइज है। आप अगर हाँ बोलो तो मैं आपका साला बनने को तैयार हूँ। की गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। क्या हो रहा है ये हार्बर भाई, उसे कैसे जानता है? ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये बुलेट राजा है। रुक, ए किसी भी रुक से भी ये मेरा आदमी है, छोड़ उसे। क्या नमस्ते रवि सर, आ गए जेल की चक्की पीस कर डोले शोले अच्छे हो गए। एनी हेल्प? गवर्नमेंट से कहकर मैंने तुम्हारे लिए एसटीडी बूट डलवा सकता हूँ, थारे लिए रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश का धंधा, और मेरी ब्यूटी क्वीन थारे लिए तो मैं ब्यूटी पार्लर खोल कर दूंगा जिसका नाम होगा ढिंके चिका। जरा सोचो अगर हम इसे अभी उठाकर घर से बाहर फेंकते तो इसके खाने के वांदे हो जाएंगे और ये रास्ते पर माई दे दे करते भीख मांगेगा। तुच्छो, पिछला डोज काफी नहीं था क्या? हम इससे बात क्यों कर रहे हैं पार्वती जी? मारी माई तुम जैसे क्रिमिनल से बात नहीं करती। ऐसी बात है, वो तुम जैसे फ्रॉड की बात मान लेगी कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी क्या बुलेट राजा? माई तुम बाहर क्यों आई? तुम अंदर जाओ, जाओ माई। अरे रे 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 रे, डर गए क्या तुम? माँ बाहर आई इसलिए, अब उसे सच पता चल जाएगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, चल जाए। बोलने दो माई, ये बात क्या है? अब हम आपको कैसे कहें माँ जी? ये बहरूपिया इतने दिनों से आपके बेटे होने का नाटक कर रहा है, मिनिस्टर बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। ये आपका बेटा रविंद्र नहीं है, ये रविंद्र जैसा सेम टू सेम दिखने वाला बुलेट राजा है। मुंबई में छोटी मोटी हेरा फेरियां किया करता था ये, लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में इसने हमारे रविंद्र को मार डाला। झूठ बोल रहे हैं माई, इनकी बातें मत सुनो प्लीज माई, इनकी बातें मत सुनो। ठीक है माना, माना हम झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है, गवाह है? पर तुम रविंदर नहीं हो, साबित करने के लिए हमारे पास गवाह है। आपको यकीन आया माजी कि ये आपका बेटा नहीं है? अगर इसे सजा नहीं मिली तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। माजी, इसने होम मिनिस्टर बनने के लिए आपके बेटे को मार दिया, तो जायदाद के लिए आपको नहीं मारेगा, इसकी क्या गलती? सुने वरना जिंदा काट दूंगा। छोड़ दो उसे। पर माई, छोड़ो उसे। के साथ क्या करना चाहिए? ये मेरा बेटा है, हरिश्चंद्र प्रसाद और पार्वती का इकलौता वारिस। आपके पास क्या सबूत है कि यही आपका बेटा है? इस दुनिया में अपने बेटे को पहचानने के लिए एक माँ से बड़ा साक्षी और कौन हो सकता है? देखिए माँ जी, अगर एक पल भी यहाँ रुके तो मेरा बेटा आपको धक्के मार के निकाल देगा। सुना नहीं, निकलो। सुन, जो लड़की आई है ना मुझे बहुत पसंद है, बोल मुहूर्त कौन सी तारीख का निकालूं? क्या बात है? मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा माँ। कैसा सच? सच्चाई ये है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ। मैं जानती हूँ, उसी दिन जान गई थी जिस दिन तुम आश्रम में आए थे मेरा बेटा बनकर। मेरा बेटा सिर्फ दूसरों को दुख दे सकता है,
आंसू नहीं बोल सकता। सच ये है कि मैं नहीं जानना चाहती क्या हुआ कैसे हुआ। मैं जैसा बेटा चाहती थी तुम वैसे ही हो। तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरे सपने पूरे करते हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या लाइफ दी है प्रभु। देखा आपने, मेरी गलती से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। माँ को एक अच्छा बेटा मिल गया और लोगों को एक अच्छा नेता। प्रभु आपकी सोच में डूबे हैं। चित्रगुप्त, जो अब तक हुआ है वो खुशी की बात है, पर जो होने वाला है उससे मैं दुखी हूं। कल उस मानव की जिंदगी का अंत होगा। सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, स्टेट के दूसरे लोग भी मानने को तैयार नहीं कि वो रविंद्र नहीं है। हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कल वो रविंद्र जरूर आएगा जन क्रांति पार्टी की मीटिंग। लोग ठीक 8 बजे वहां आना शुरू हो जाएंगे। 9 बजे वो एंट्री करेगा। 9:20 पर वो पब्लिक को भाषण देगा। 9:25 पर हमारा छिपाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाएगा। एक धमाका और हजारों लाशें। सीएम, एमएलए, जनता। नहीं नहीं, एक अकेले आदमी के लिए इतने सारे लोगों को मारना ठीक नहीं है। हम लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें कभी मारा नहीं है। यह गलत है, ऐसा मत करो। डुप्लीकेट, खुद को भगवान समझते हो? सारा हमें सिखा रहा है। निकल। नहीं नहीं, निकल। मैं नहीं जाऊंगा। टकले। हां भाई, स्वामी जी के अंदर का नेता जाग गया है, इसे बाहर ले जाकर प्रवचन सुना। हमारे हरिश्चंद्र प्रसाद जी ने जो जन क्रांति पार्टी शुरू की थी उसने आज 25 साल पूरे किए। जनता, पार्टी वर्कर और सारे रिपोर्टरों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। हम पार्टी की बात नहीं, पार्टी ने जो हासिल किया उसकी बात करेंगे। पिछले 6 महीनों में रविंद्र जी की वजह से काफी महान काम हुए। इन्होंने दुखियों के आंसू पूछे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया। रविंद्र आज के पॉलिटिक्स आइकॉन बनते जा रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स और पार्टी को एक नई दिशा दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि रविंद्र के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी आसमान की बुलंदियाँ छुए। बुलंदी तो छूने वाला है, 10 मिनट बाद ऊपर की डायरेक्ट टिकट कट जाएगी। स्वागत कीजिए। मेरी बीवी वहाँ। अरे मेरी भी पत्नी है वहाँ। बाहर निकले तो तुम दोनों को ठोक डालूंगा। इस उम्र में अपनी बीवियों को बचाकर क्या कर लोगे? उससे मारने के लिए आज सबकी बलि चढ़ेगी। इस मंच से मैंने अपने पिताजी के बारे में बस इतना ही कहना है कि उनके जैसा कोई नहीं। आज भी हमारे स्टेट के 3,000 गांव में एक भी स्कूल ना है, 5,000 गांव में हॉस्पिटल ना है, 6,000 गांव में पीने का पानी तक ना है। हमारी फाउंडेशन इन गांवों को गोद लेगी और उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। अपने स्टेट में खुशियां हो, समस्या ना हो। दम तो हुए, इतने पैसे कहाँ से आवेंगे? ये सब कैसे हो पाएगा? यही सब सोच रहे हैं ना? दैट इज व्हाई मैं अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर रहा हूँ। नहीं, शांताराम ताऊ और पवित्रानंदा ने भी अपनी सारी जायदाद इस फाउंडेशन के नाम कर दी है। वो यहाँ किसी वजह से आ ना सके, पर उन्हें खुशी होगी जब उनके परिवार के लोग यहाँ आकर डॉक्यूमेंट सीएम को सौंप देंगे। हम क्रिमिनल्स को उसने भगवान बना दिया, अगर वो मर गया तो सबके सपने टूट जाएंगे। बलराम, मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ और सबको बचाओ, जल्दी। Oh!
लक्ष्मी, हमने तुम जैसे इंसान को मारने की बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो। दोस्त पैर नहीं पड़ते यार, गले लगते हैं। तुम दस से बच गया, लेकिन मेरी गोली से कौन बचाएगा तुझे? चुपचाप भाई, अगले क्या कर रहा है तू? तुम्हारे पास एक ही है, इनके पास अनेक है। चुपचाप जेल जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या बक रहा है तू? मिनिस्टर जिंदाबाद, मिनिस्टर जिंदाबाद। प्रभु आपके कैलकुलेशंस गलत हो गए, उसने शत्रुओं को भी मित्र बना लिया, अब उसे कोई नहीं मार सकता। प्रभु चित्रगुप्त, दो लोगों के मिलन से जन्म होता है, पर मौत अनेक कारणों से होती है, इसलिए मौत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मरने कुछ नहीं हुआ है माई, जल्दी घर आ जाओ। मरने तारे रविंद्र, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं? तुम सब कुछ जानते हो चित्रगुप्त, वो रहा पाप और पुण्य का मीटर। अच्छे और बुरे कर्म उसकी जिंदगी या मौत तय करेंगे। ज्यादा लोगों की दुआएं उसके अच्छे कर्मों में जुड़ जाएगी, जिससे उसकी आयु और भी बढ़ जाएगी। काफी पास लगने से डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन में काफी कठिनाई आ सकती है। मेरे गुनाह माफ कर, मेरा ज़मीर साफ कर, मेरे यसू मेरे खुदा ओ मेरे परमात्मा। औरों के वास्ते अपने लिए तो जी चुका, तूने जिगर भी अब पी, खुशियों के जाम पी चुका, खुशियों के जाम पी चुका। मेरे गुनाह माफ कर, मेरा ज़मीर साफ कर, ओ मेरे परमात्मा। पाप और पुण्य का मीटर एक समान है। बस एक साफ दिल इंसान, एक पुण्यात्मा की नजर उस पर पड़ जाए तो ये मानव मौत पर भी जीत हासिल कर लेगा। अगर एक साफ दिल इंसान उसे छू ले तो ये बच जाएगा। प्रभु मत रोको चित्रगुप्त, उस मानव के पुण्य का मीटर बढ़ नहीं पा रहा है। काश वो थोड़ा भी बढ़ गया होता तो ये बच जाता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ।
फिर से मार डाला। मानो तुमने जिंदगी में सारे लोचे लपड़े कम कर दिए, इसलिए तुम बच गए। मुझे सेकंड इनिंग्स देने के लिए तुमसा दोघन सा आभार। अरे सिर्फ अपुन ने और परमात्मा ने तुम्हें नहीं बचाया, तुम बैड बॉय से गुड बॉय बन गए और उसी कारण तुम जिंदा हो। जानते हो अपुन का दुश्मन कौन है? तुम्हारे किए हुए गुड कर्म। अरे किस्मत को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, संस्कृत है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चल टाटा। कहाँ गए हो प्रभु? श्वेता, मेरी पप्पी कब दे रही हो? चित्रगुप्त जी, प्रभु तुम्हारा पैकअप हो गया, स्वर्गलोक वापस जाओ। और अगर मुंबई से रॉन्ग नंबर फिर आया तो? रॉन्ग नंबर? अब तुम्हारी इधर कुछ भी जरूरत नहीं, मांडवली करने के लिए मैं हूँ ना। मुंबई का मामला मैं देख लूंगा, तुम जाके रंबा और उर्वशी का डांस देखो, मैं इधर खेलता हूँ, तुम ऊपर खेलो। ठीक है, मैं नाइट क्रिकेट T20 खेल के आता हूँ।